हेलो गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट सौरभ ट्यूटोरियल्स के खूबसूरत से चैनल्स में आप सभी चैनल का बहुत बहुत ज्यादा ही स्वागत है आप बहुत ज्यादा लेट हो गया स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करने में लेकिन कोई बात नहीं है चलिए अब बिना बात किए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लाइव क्लास और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइव क्लासेस आज के क्लासेस से हम लोग दो चार क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा लॉन्ग में लॉन्ग में आज हम लोग मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और हमने आपको बता दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को हमने चार पार्ट में बांटा और आज उसका पहला पार्ट है और आज की क्लास से पक्का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग में पूछेगा ठीक है थीके? आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए आप लोगों सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ठीक है तो चलिए लेकिन उससे पहले मुझे बताएं क्या मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है और क्या वीडियो का क्वालिटी परफेक्ट है और क्या स्टार्ट किया जाए आप लोग जल्दी बताइएगा क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए और मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है जल्दी बताइएगा हाँ गुड इवनिंग बाबू गुड इवनिंग हाँ हाँ ठीक है कोई थोड़ा सा लेट हो गया बाबू अब हम समझ गए क्या प्रॉब्लम है ठीक है हम कल से अब नहीं होगा ऐसा लेट चलिए हाँ लव यू बाबू लव यू चलिए क्या स्टार्ट किया जाए क्लास को जल्दी जल्दी फास्ट हाँ हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ यस भैया हाँ 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 गुड ओके ठीक है चलो तो तब तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास ध्यान देना अब आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैसेज पे ज्यादा फोकस ना करें पहले पढ़ाई कर ले ठीक है सुनो देखो बाबू आप लोग के सामने लिखा है मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं पांच मार्क्स के क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं और उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये बाबू याद रखना क्या है आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा आप लोग ऐसे देख भी पा रहे होंगे ध्यान दीजिएगा देखो पहला क्वेश्चन क्या है अच्छा एक मिनट देखो रे पहला क्वेश्चन क्या है यहां और समझना तो थोड़ा सा देखो पहला क्वेश्चन है देखो हम आप लोग को ये पढ़ा चुके हैं लेकिन इसमें से कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको अभी तक पता नहीं है इसलिए आप लोग प्लीज ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन देख के समझना हो हमको तो पता ही है यहाँ गौर सुनवाड़े देख पहला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे करे वट इज कार्बोहाइड्रेट हाउ आर दे क्लासिफाइड कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे करें तो आप लोग को पता होगा कि मैंने क्लास में कार्बोहाइड्रेट को कई अलग अलग तरीका पे बांटा था तो तुम लोग के मन में डाउट अक्सर रहता होगा कि सर हम लोग किस आधार को मानकर किस बेसिस को मान के सर हम लोग बांटेंगे तो आज की क्लास में हम लोग सारा ए टू जेड बात को चर्चा करते हैं ठीक है देखो अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे लिखना चाहिए क्या क्या लिखना चाहिए सारा सुनो देखो सबसे पहले बाबू देखो क्या लिखा है रे अब मैं हिंदी में भी बताऊंगा पहले इंग्लिश देखो उसके बाद मैं सबका हिंदी बता दूंगा ठीक है तो क्या लिखा है ये क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे करें यानी व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड तो इसका आंसर तुम लोग को लिखना है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट वर्ड इज फॉर्मड बाय कार्बो एंड हाइड्रेट विच मींस हाइड्रेट ऑफ कार्बन एंड हुज जनरल इज होल हुई बट दिस डेफिनेशन हैज सर्टेन लिमिटेशन याद करो क्लास की बातें हम आपको क्या बोले थे कि बाबूडे हम आपको बताए थे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट तुम देखता है ना कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलके बना है बताए थे एक कार्बो और दूसरा हाइड्रेट तो वही पहला वही लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड मतलब कार्बोहाइड्रेट शब्द फॉर्मड मतलब बना होता है बाय कार्बो एंड हाइड्रेट मतलब कार्बो और हाइड्रेट शब्द से बना होता है बात तो सच है विच मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन जिसका मतलब होता है क्या जिसका मतलब होता है कार्बन का हाइड्रेट कार्बन का हाइड्रेट कार्बन का हाइड्रेट और जिसका सिरे तथा जिसका सामान्य सूत्र हम आपको बताए थे CXH2O होल वाई होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं लेकिन हम आपको क्लास में एक बात बताए होंगे याद करो कि ये जो परिभाषा है वो परिभाषा में कुछ कमी रह गई थी क्या कमी कैसे मैं सब चर्चा करता हूं तो वही लिखा है अरे देखो क्या बट दिस डेफिनेशन हैज सर्टेन लिमिटेशन लेकिन इस परिभाषा में कुछ

वॉइस तो परफेक्ट है बाबू बाबूर तो 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 नेटवर्क चेक कर लो ठीक है वॉइस ठीक है यहाँ पे बाबू हम्म चलो ठीक है सुनिए गौर सुनना बाबूढ़े एकदम आप जीरो समझो कोई डरना नहीं है क्या क्वेश्चन था बाबू कार्बोहाइड्रेट क्या है तो सबसे पहले तुम लोग गौर से समझना तो कार्बोहाइड्रेट आपको क्लास में कैसे बताए थे आपको बताए होंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो दो वर्ड से बना है कौन कौन सा वर्ड है बाबू पहला का नाम है कार्बो और दूसरा का नाम है बाबू हाइड्रेट पहला का नाम कार्बो और दूसरा का नाम हाइड्रेट कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब एच टूओ पानी पानी को ही हाइड्रेट बोलते है बाबू इटमीन्स हम आपको बताएं थे याद करो कि कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक होता है एक कंपाउंड होता है और यौगिक मतलब जिसमें दो मतलब दो या दो से अधिक चीज होता है देखो इसमें देखो ना कार्बन भी है और एच टू ओ भी है।, है तो दो या दो से अधिक एलिमेंट है दो या दो से अधिक तत्व है तो तो तुम इसको यौगिक बोलोगे मतलब पहला बात तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक होते हैं एक कंपाउंड होते हैं जो कंपाउंड किस किस से बने होते हैं बाबू रे तो वो कंपाउंड कार्बन और एच टू ओ से बने होते हैं कार्बन और एच टू ओ से बने होते हैं ठीक है अच्छा बाबू रे कार्बोहाइड्रेट किससे बन रहा है कार्बन और अलग अलग कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग होता होगा इसलिए इसको एक्स मान लिया गया और इसके नंबर को वाई मान लिया गया किसी में पानी एक पीस रहता होगा किसी में चार पीस इसलिए बाबू कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बन गया सी एक्स एच टू होल वाई तो पहला बात तो कम से कम हम लोग जान गए क्या कि कार्बोहाइड्रेट क्या है आप लोग मेरे साथ सभी बच्चे बोलो जल्दी कार्बोहाइड्रेट क्या है बाबू ध्यान देना तो गौर सुनना हाँ गुड कार्बोहाइड्रेट क्या है बाबू क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से बना है कार्बो और हाइड्रेट कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है एच टूओ इट मीन्स कार्बन और एच टूओ को जब तुम मिला देता है मिलने के बाद जो कंपाउंड बनता है जो यौगिक बनता है उसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और जिसका सामान्य सूत्र और जो दिखने में तथा जिसका फॉर्मूला सी एक्स एस टू होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं अच्छा फॉर्मूला ऐसा ही क्यों हुआ अभी जस्ट बताएं कार्बोहाइड्रेट में दो ही चीज होता है कार्बन और एच हो तो कार्बन किसी में एक होता है किसी में दस होता है तो इसलिए देखो किसी किसी में में मतलब अलग अलग होता होगा इसलिए डायरेक्ट हम लोग मान लिए पानी भी फिक्स नहीं है पानी होता है लेकिन अलग अलग इसलिए हम लोग उसको मान लिए इसलिए फॉर्मूला हो गया सी एक्स एस टू होल वाई तो पहला तो कम से कम पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है क्या है कार्बोहाइड्रेट बाबू रे आप लोग जहां भी बैठे वहां से बोलने का कोशिश करो तो हम लोग बोलेंगे पहले इंग्लिश में सुन लो कार्बोहाइड्रेट क्या है इट इज अ अंपाउंड अरे या बोलेंगे द कंपाउंड मतलब वह यौगिक द कंपाउंड इज बाय जो बना होता है कार्बन एंड एच टू ओ ना कार्बन एंड हाइड्रेट बोलेंगे द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड एच टू ओ एंड जनरल फॉर्मूला इज सी एक्स एच टू होल वाई इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट बट दिस डेफिनेशन हैज सर्टेन लिमिटेशन अब हिंदी में सुनो रे क्या बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का कि कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जो कार्बन और जल से बना होता है तथा जिसका सामान्य सूत्र होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं परंतु इस परिभाषा में कुछ कमियां है कुछ खामियां हैं हम आपको बताए थे कमियां और खामियां कमियां और खामिया, कमिया खामिया जस्ट चर्चा का कर भी करेंगे कमियां और खामियां इसलिए आ गया था बाबू इसके अंदर रे। क्योंकि दुनिया में हम तुमको बहुत ऐसा कंपाउंड है, जो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है लेकिन वो भी इस फॉर्मूला पे बैठ गया था इसीलिए ये परिभाषा का ये कमी है हम हामिया है समझ समझमा है और जो दुनिया में बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो कि इस फॉर्मूला पे बैठ नहीं पाया था तो थोड़ा सा सब चर्चा करते हैं एक लेकिन उससे पहले आप लोग बताओ सभी बच्चे एक साथ बोलना जहां पे भी आप लोग बैठे हैं हमको तो आवाज़ सुनाई नहीं देगा तुम लोगों का लेकिन हाँ तुम लोग इस कदर बोलो कि हमको फील हो जाए कि मेरा स्टूडेंट सब बोल रहा है बैठ के ठीक है आप लोग बाबू एक बात बताने का कोशिश करना आप लोग जितने भी बच्चे बैठे हैं जो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में बोलना जो हिंदी मीडियम है हिंदी में आप लोग क्या परिभाषा एक बार बोलो तो मेरे सबको बैठे बैठे जल्दी परिभाषा बोलने का कोशिश करो बाबू क्या आप सभी को परिभाषा याद हुआ चलिए फास्ट क्या परिभाषा याद हुआ आप लोगों को फास्ट हाँ चलिए फास्ट फर्स्ट बाबू चलिए गौर समझने का कोशिश करना बाबू यहां गौर सुना रे? देखो ठीक है हाँ सर ओके ओके चले गुडेरे अच्छा एक बार बस बाबू एक बार देखो एक बार ध्यान समझने का कोशिश करना चलो मैं लिखवा भी देता हूँ मैं लिखवा भी देता हूँ आप लोगों को कहीं हो सकता है कि ध्यान देना रे आइए अब तुम लोग थोड़ा सा लिख लो इसको हम्म चलो इंग्लिश वाला तो देख के लिखना और हिंदी वाला को मेरा मेरे बात को सुन के लिखना ठीक है अब आइए चलिए यही क्वेश्चन था बाबू ध्यान देना एकदम घबराना नहीं बिल्कुल भी इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बाबूड़े वो इसको देख के लिख दो देखो वही सब बात बाबू लिखा हुआ है रे ध्यान दो क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड दो शब्द फॉर्मड बाय कार्बो एंड हाइड्रेट कहता है कार्बोहाइड्रेट वर्ड कार्बोहाइड्रेट से बना है जिसका मीनिंग होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन और जिसका फार्मूला cxh2o on y होता है लेकिन इस परिभाषा में कुछ कमियां हैं, ठीक है ध्यान दो और ये एग्जांपल है रे आपको हम बताए भी थे क्लास में याद करो कि जिसके भी लास्ट में ओज लगा रहेगा वो सब कार्बोहाइड्रेट होता है मतलब सुक्रोज यहाँ ओज लग गया ग्लूकोज यहाँ ओज लग गया जिसके भी लास्ट में बाबू ओज लगा रहेगा वो सब एग्जाम्पल होता है कार्बोहाइड्रेट का इट मीन ये सब जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना ये ये कौन कौन सा बस दो ही गो एक बाबू ये और बाबू एक ही है ये दोनों है और ये सब कमी है कैसे कमी है मैं बताता हूं अभी जस्ट थोड़ा देर बाद लेकिन पहले तुम लोग पहले दस आप लोग यहां से देख के लिखिए और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मेरे सुन कर लिखिए चल चले गोड़ी जल्दी फास्ट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सभी बाबू मेरे बात को सुन के लिखना फास्ट लिखो आ, आप लोग हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट लिखना बाबू बुढ़े लिखो कार्बोहाइड्रेट ध्यान दो आप लोग अपने साथ कॉपी लेकर बैठे ऐसा नहीं खाली वीडियो देखना है तो बाबू दिक्कत में पड़ जाएगा ठीक है जल्दी जल्दी मैं तुम लोग को समय दे रहा हूँ जल्दी दस बीस सेकंड का टाइम दे रहा हूँ जल्दी फास्ट कॉपी निकालो कॉपी कलम लिख ही लो बाबू क्योंकि दोबारा लिखने में बहुत परेशानी हो जाएगा आप लोगों को ठीक है बाबू वही प्रहलाद ठीक है बाबू फिर से एक बार आप बोल रहे हैं तो मैं फिर से उसको ऐसे भी लिखवा रहा हूँ बाबू ठीक है हाँ बाबू अरे सेम वही मतलब जो क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड पूछा है लॉन्ग में वही क्वेश्चन ही ही तुमको करवा रहे हैं और जो पूछने का चांसेस है मतलब चार क्वेश्चन डेली का जो क्लास होगा ना हर क्लास से जान लेना बाबू पांच नंबर छह नंबर पांच नंबर छह नंबर का क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट एग्जाम में बाबू आ जाएगा इसलिए आप हर दिन के लाइव क्लासेस को जरूर करें चलो हाँ आप सब निकाल लिया होगा चलो लिखो लिखो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से बना होता है कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से बना होता है कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से बना होता है कार्बो और हाइड्रेट कार्बो और हाइड्रेट कार्बो और हाइड्रेट कार्बो और हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बो दो शब्दों से बना होता है कार्बो और हाइड्रेट ठीक है जिसका मतलब जिसका मतलब जिसका मतलब जिसका मतलब होता है जल्दी जिसका मतलब होता है कार्बन जिसका मतलब होता है कार्बन और जल से मिलकर यौगिक जिसका मतलब होता है कार्बन और जल से मिलकर यौगिक जिसका मतलब होता है कार्बन और जल से मिलकर यौगिक तथा जिसका सामान्य सूत्र तथा जिसका सामान्य सूत्र तथा जिसका सामान्य सूत्र जल्दी तथा जिसका सामान्य सूत्र सी एक्स होल वाई होता है तथा जिसका सामान्य सूत्र सी एक्स होल वाई होता है तथा जिसका सामान्य सूत्र सी एक्स होल वाई होता है ठीक है होल वाई होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ठीक है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं लिखना परंतु परंतु इस परिभाषा में कुछ कमियां है परंतु इस परिभाषा में कुछ कमियां है बाबूड़े, परंतु इस परिभाषा में कुछ कमियां है ठीक है परंतु इस परिभाषा में कुछ कमियां हैं ठीक है बाबू अब देखो रे हाँ गुड बाबू रे लिखना परंतु तो इस परिभाषा में कुछ कमियां हैं आप देखो बाबू बाबे यहाँ सुनिए देख आप लोग जल्दी से तो बाबू गौर सुना है देखो रे अभी क्या बताए तो ये जो एग्जाम्पल देख रहा है सुक्रोज और ग्लूकोज बाबू रे क्या बोले जिसमें भी ओज लगा रहेगा बाबू वो कार्बोहाइड्रेट है ठीक है तो ये एक्साम्पल किसका हो गया बाबू रे कार्बोहाइड्रेट का ये एग्जाम्पल किसका हो गया कार्बोहाइड्रेट का ठीक है ये एक्साम्पल हो गया कार्बोहाइड्रेट का और ये देखना एग्जाम्पल में तुम लोग ये दोनों को लिख देना एक्जाम्पल में अब बाबू तुमको हम कमी दिखाते हैं यहाँ गौर सुनना ये दोनों ये दोनों बाबू एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का ठीक है ये दोनों एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का अब बाबू नीचे में बाबू थोड़ा सा इस, इस, इस कमियां को देखो अब आओ अरे गौर सुनना अब मैं तुमको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं ठीक है एकदम बाबू कोई फालतू का मैसेज बात मत करो प्लीज आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास से बार बार कह रहे हैं यहाँ गौर सुनना बाबू अब तुमको मैं कुछ दिखाता हूँ अच्छा आप लोग बाबू जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो सुक्रोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख के दिखाओ तो सुक्रोज का पहले फॉर्मूला लिख के दिखाओ तो सुक्रोज का बाबू फॉर्मूला लिख के दिखाओ प्लीज बोलो सुक्रोज का फॉर्मूला लिख के बताओ बाबू सुक्रोज का फॉर्मूला फास्ट कौन कौन बच्चे सुक्रोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी बोलो 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 फास्ट इतने बच्चे को सुक्रोज का फॉर्मूला याद है फास्ट बोलो जल्दी जल्दी सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह हो को हम समझ गए लोग लिखने तो लो बाबू प्रॉब्लम हो रहा है ना रे चलो गुड 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 आइए आइए बाबू एग्जैक्ट बहुत अच्छा बात बोला बाबू सुक्रोज मतलब होता है चीनी चीनी का फॉर्मूला क्या बाबू सी बारह एच बाईस ग्यारह यही बाबू रे चीनी का भी फॉर्मुला है और इसी चीनी को सुक्रोज भी कहते हैं अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा तुम लोग को अच्छा अभी तुम लोग एक बात बताओ अभी तुम लोग जस्ट क्या पढ़ा था कि जो भी इस दुनिया में कार्बोहाइड्रेट होगा बाबू रे उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सी एक्स एच टू ओ होलवाई ना थोड़ा बाबू दिमाग लगाने का कोशिश करना है देखो रे देखो बाबू लिख पाएंगे कि नहीं देखो रे सी और ऐसा करो इसको लिख दो एच टू ओ ठीक है अब ध्यान देना रे बाबू रे इस सी के बाहर में यहाँ लिख दो बारह यहाँ लिख दो बाबू रे ग्यारह देखना था रे बोलो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एकदम डिटो सेम है कि नहीं देख लो सी बारह सी बारह ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह एकम ग्यारह एक ग्यारह एकम ग्यारह मतलब वो मतलब तुम लोग कुछ देख पा रहा होगा बाबू रे आप लोग बहुत अच्छे से एक चीज देख पा रहे होंगे कि सर आपने इसको यानी ये बाबू ये जो सुक्रोज था बोलो इस सुक्रोज को हमने सी एक्स ध्यान देना एच टू ओ एच टू ओ होल वाई के रूप में लिख दिए ना और अभी हम तुमको जस्ट बोले जिसको भी तुम सी एक्स एच टू ओ होल वाई के रूप में लिख देगा वो सब बाबू कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है वो कार्बोहाइड्रेट होता है अब यहाँ देखो रे अब था ना तुम इसको भी लिख देगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मुला में देखो कैसे रे तो सी एच टू ओ पहले लिख दो ठीक है क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बन और जल से बना होता है इसलिए लिख दिए अब देखो बाबू इसके बाहर लगा दो छे इसके बाहर भी लगा दो छे देखो सी सिक्स छह बारह और छे कम छे ठीक है बाबू रे अब ध्यान देना बाबू सी बोलो ये छे की जगह क्या लिख सकता है बाबू रहे बाब तो लो इसको इसको, हम लोग सी एक्स एच टू ओ होल वाई के रूप में लिख दिए ना और अभी तुमको जस्ट बोले थे कि इस दुनिया का जो भी यौगिक कार्बन ध्यान दो इस दुनिया का जो भी यौगिक कार्बन और जल से बना होता है बोलो ये भी कार्बन और जल से बना है और जो दिखने में एक्स एच टू होलवाई के जैसा होता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इट मीन हम लोग कंफर्म कह सकते हैं ये दोनों एग्जाम्पल किसका है बाबूरे कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ठीक है लेकिन तुम लोग सोच रहा होगा कि भैया आप बहुत देर पहले से बोल रहे हैं कि इस परिभाषा में कुछ कमियां है भैया क्या कमियां है थोड़ा बताइए तो सुन बाबू देखो कमियां क्या है गौर सुनना प्लीज यहां देखो यहां देखो क्या कमी है बाबू देखना है देखो फॉर्मल डिहाइड आज बाबू देखो हम मैं जान के तुम लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ की अब एग्जाम तो बाबू बहुत कम दिन बचा है अगर अभी भी अगर आप लोग को कुछ कमी है बाबू तो याद कीजिए तो आप सभी बच्चे से मेरा ये क्वेश्चन है जल्दी बताओ फॉर्मल डी का फॉर्मूला बोलो बाबू फॉर्मल डी का फास्ट आप लोग मैसेज करने में लेट नहीं करोगे ठीक है फॉर्मल डी का बाबू फॉर्मूला बोलो तो फास्ट फॉर्मल डी का जल्दी जल्दी दे दी फॉर्मल डी का क्या होगा फॉर्मूला फॉर्मल डी का फॉर्मल डी फास्ट आप लोग वो कहते हैं सभी मैसेज करने पे मत लगा रहे बाबू सब मैसेज पे आप लोगों को जब पूछे तभी बस मैसेज करो हाँ चल जी बाबू फास्ट हाँ देखो अरे यहाँ गौर सुनना हाँ कृष्णा कृष्णा थैंक यू बाबू कहता है सबको लाइक करो बाबा देखो पहले पढ़ लेना है अच्छा लगेगा तब लाइक करेगा तू पहले ही बोल देगा सबको लाइक करो यहाँ बाबू देखो डिहाइड यहाँ नंबर डिहाइड के बारे में हम क्या बताएं याद करो क्लास में देखो इसलिए कहते हैं कि जब मैं कोई लॉन्ग पढ़ाऊंगा तो उसके साथ बहुत सारा शॉर्ट बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी साथ साथ हो जाएगा मैंने तो क्या होकर क्वेश्चन लिखा आते डायरेक्ट आंसर हल्का हल्का बोल के लिखवाते हो गया लॉन्ग खत्म लेकिन बाबू उससे कोई फायदा नहीं है जब तक फीलिंग्स नहीं आएगा यहाँ देख रहे फॉर्मल डीहाइड के बारे में बताए थे कि फॉर्मल डीहाइड एक प्रकार का एल होता है और एल में भी सबसे छोटा एल याद करो बोले थे कि जिसमें भी फॉर्म लग जाए मतलब वो सबसे छोटा मतलब नंबर वन मतलब कहने का मतलब फॉर्मल डिहाइड एल होता है सबसे छोटा मतलब एक कार्बन का एल एक कार्बन के एल को फॉर्मल कहते हैं ठीक है देखो एल अच्छा एल्डिहाइड का पहचान क्या होता, एच ओ, क्या होता है रे? एच ओ? अच्छा अभी बाबू यहाँ सुना रहे और याद रहा है इसी में तुम एच लगा दो एच सी एच ओ यही है बाबूट इसी में अगर तुम एच सी ओ, एच बोलेगा तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा ठीक है ये बाबू कौन है कौन है

इस वन को मान लो एक्स एच टू ओ अब और ये जो वन है इसको भी मान लो वाई तो क्या देख रहा है हैं बोलो तेरे कि ये जो फॉर्मल डिहाइट था इस फॉर्मल डिहाइट को भी हम लोगों ने होल वाई के रूप में लिख दिया जबकि कार्बोहाइड्रेट का कहना था कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही लिख सकते हैं लेकिन तो एल है, ये तो एल्डिहाइड है कार्बोहाइड्रेट है नहीं लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसको इस फॉर्मूला में लिख दिए बाबूरे तो क्या बोले थे अभी तुमको कि इस परिभाषा में कुछ कमी है तो यही सब है कमी अगर आपको पूछ दे कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में क्या कमी है तो बोल देना फॉर्मल डिहाइड एक प्रकार का एल्डिहाइड है उसको भी हम लोग

फास्ट बाबू एसेटिक एसिड एसेट का क्या होगा फॉर्मूला चलो गुड हाँ एक मिनट बाबू रे बहुत अच्छा चलिए हम समझ सकते हैं कार्बोजिक एसिड अरे एसिड जब लगा जाए ना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एम, केमिस्ट्री में जब भी एसिड सुनो तो उससे दिमाग में रखो कार्बोजैलिक एसिड और कार्बोजिक एसिड की पहचान होती है सीओओएच ये हुआ कार्बोजिक एसिड यहाँ एसेटिक एसिड

तीन एक चार न यहाँ बाबू दो लिख दो देख लो बाबू यहाँ कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो जल्दी फर्स्ट देखो सी टू सी टू नीन एक चार ओ दो इसका मतलब बाबू भी हमने इसको भी सी एक्स एच टू होलवाई के रूप में लिख दिया जबकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं जबकि ये कौन है बाबू रे एसेटिक एसिड एसेट है इट मींस ओवरऑल आपको क्या क्या बात पता चला जल्दी बोलो अरे इट मींस आप लोग को पूरा का पूरा बात क्या पता चला जल्दी बोलना फास्ट आप लोग प्लीज गौर से समझने का कोशिश करो जो बोल रहे बाबू रहे देखो तो तुम लोग को हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं गौर सुनना आप लोगों का क्वेश्चन क्या था बाबू हम लोग का मोस्ट वीवीआई ध्यान दो रे हम लोग आज के क्लास में पढ़ रहे हैं बाबू रे मोस्ट वीवीआई ध्यान दो

कार्बोहाइड्रेट कितने वर्ड से बना है दो कार्बोहाइड्रेट कार्बो मतलब कार्बन हाइड्रेट मतलब एस टू मींस कार्बन और एसटूओ से मिलकर बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है CX, याद सी एक्स

कहता हाउ दे आर क्लासिफाइड हाउ दे आर क्लासिफाइड तो याद करो बाबू तुम लोग क्लास में रे रे आप लोग सभी बच्चे को याद होगा हम आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट को रे पानी में फेंक कर कार्बोहाइड्रेट को हम अलग अलग बेसिस पर बांटे थे बाबू एक बार बांटे थे स्वाद रंग के आधार पे जिसमें स्वाद और रंग था उसको सरकरा यानी सुगर बोले थे जिसमें स्वाद रंग नहीं था उसको असर यानी नॉन सुगर बोले थे वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही बंटवारा है लेकिन बाबू तुम लोग को कह रहे हैं कि इस बार कार्बोहाइड्रेट को पानी में फेंक के बताओ याद करो हम क्या बताए थे कि जब कार्बोहाइड्रेट को पानी में फेंका जाता है याद करो पानी में फेंकने के बाद इस दुनिया में कार्बोहाइड्रेट टोटल कितने टाइप्स का मिला चलो मैसेज करके बताओ तो पहले तुम लोग जल्दी बोलना बाबू रे यानी कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पानी में फेंकेंगे जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पानी में फेंकेंगे तो हम लोग को कौन कौन सा मतलब कितने टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट मिलने की चांसेस है जल्दी आप लोग फास्ट बताना बाबू रे अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पानी में फेंगे तो कितने टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट बाबू मिलने, का अच्छा, तो का मिलने का चांसेस है जल्दी बोलना अच्छा ये पॉइंट भी बता देंगे प्लीज सुन लो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पानी में तो कितना टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट मिलने का चांसेस है जल्दी टू टाइप्स नहीं बाबू छोटू गलत बताए टू टाइप्स नहीं बाबू और 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 और, मैसेज करो फास्ट कितने टाइप्स का बारे में बताए थे जब पानी में फेंकेंगे तो थ्री एग्जैक्ट बाबू रे गुड आप लोग ध्यान से सुनिए एग्जैक्ट आप लोगों ने कहा बाबू जब ध्यान देता देखो जब तुम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हिंदी हुआ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मतलब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बांट रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को कैसे बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस का हिंदी होता है जल अपघटन जल अपघटन का मतलब होता है पानी में देखिए तोड़कर तो सिंपल सी बात बाबू हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पानी में फेंक कर यानी जल अपघटन के आधार पर बांट रहे हैं पानी में फेंकने के बाद कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसा होता है उसके आधार पर बांट रहे हैं अब ध्यान दो जब भी तुमको एग्जाम में भी आएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका क्या क्या वर्गीकरण है तो तुमको इसी के आधार पर बांटना है अपने मन से शॉर्टकट आइडिया वो शुगर और नॉन शुगर नहीं सरका और सरकर नहीं लिख देना क्योंकि सुनने में तो बहुत आसान है बाबू तुमको एग्जाम में पूछेगा तुम यही लिखना ठीक है क्योंकि एग्जामिनर भी टारगेट करके रखता है कि बच्चा अभी जो कार्बोहाइड्रेट को बांटा होगा ना पक्का इसी आधार पे बांटा होगा तो तुम अगर इसी आधार पे बांटेगा तो उनका सोच तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ मैच करेगा तो उसको आराम होगा चेक करने में अच्छा मार्क्स भी देगा अब मान लो वो लो सोच के आ रहा है कि इसके आधार पर लिखेगा तुम लिख देगा कुछ और बाबू वहां कंफ्यूजन हो जाता है ठीक है ध्यान दीजिएगा अच्छा अच्छा जल्दी बोलो तो बोलो अच्छा आप लोग एक बात ना बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को बांट रहे हैं अच्छा कार्बोहाइड्रेट को बाबू जो बांट रहे हैं किसके आधार पर बांट रहे हैं जल्दी फर्स्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बांट रहे हैं किसके आधार पे तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बांट रहे हैं जल अपघटन के आधार पर हाइड्रोलाइसिस के आधार पर पानी में फेंक कर तो पानी में फेंकने के बाद बाबू कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने देखा है कि दुनिया में कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का है कितने प्रकार का तीन इंग्लिश हिंदी सेम होता है ठीक है तीन प्रकार का बाबू कार्बोहाइड्रेट होता है याद रखना जब भी तुम कार्बोहाइड्रेट को पानी में फेंकेगा तो कार्बोहाइड्रेट बाबू तीन प्रकार का देखा है अरे तीनों प्रकार का नाम देख लो तीन प्रकार कौन कौन होता है बाबू रे एक का नाम है मोनोसेक्राइड फिर नाम है फिर नाम है पोलीसेक्राइड याद रखना इट मींस जब तुम कार्बोहाइड्रेट को पानी में फेंकेगा तो पानी में फेंकने के बाद कार्बोहाइड्रेट तुमको मेनली तीन टाइप्स का मिलेगा एक का नाम होगा मोनोसेक्राइड फिर होगा ओलिगोसेकराइड फिर होगा पॉलीसेक्राइड अब समझो कैसे अगर मानो बाबू तुमने कार्बोहाइड्रेट ध्यान दो इधर देखो मान लो बाबू रे तुमने किसी कार्बोहाइड्रेट को लिया उसको पानी में फेंक दिया गौर सुना जो बोल रहे हैं अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया और पानी में फेंक दिया और पानी में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट मानो नहीं टूटा नहीं टूटने का मतलब फेंके एक पीस और अंदर में भी रह गया एक के पीस तो इसको कहा नाम मोनोसेक्राइड मोनो मतलब होता है एक मोनो मतलब मोनो मतलब एक मोनो मतलब एक क्यों क्योंकि तुमने फेंका भी एक अंदर में भी है एक अगर पानी में जाने के बाद अगर जल अपघटन होने के बाद अगर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद अगर वो नहीं टूटे तो उसको क्या बोलना मोनोसेकराइड अच्छा अब मान लो बाबू तुमने पानी में कार्बोहाइड्रेट को फेंका अब मान लो धरल्ले से दो गो तीन गो चार गो पांच गो छे गो सात गो आठ गो नौ गो नौ नौ गो पीस में टूट गया दो में टूटे तीन में टूटे चार में टूटे पांच में टूटे छह में टूटे सात में टूटे आठ में टूटे नौ में टूटे अगर टूट गया कहां से कहां तक बाबूरे अगर दो से लेके नौ देख लो यहाँ लिखा भी है बाबूरे अगर दो से लेके नौ पीस के अंदर में टूट गया तो उसको कहना ना क्या बोलना बाबूडे? ओलिगोसेकराइड और मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट को फेंका मान लो धरल से नौ से भी ज्यादा टूटने लग गया तो उसको कहना पॉलीसेक्राइड क्या बोलना बाबूरे पॉलीसेक्राइड तो आप लोग क्या समझे जल्दी बोलो आप लोग क्या समझे बाबू बोल 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 बोलो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पानी में फेंक कर यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करके जल अपघटन करके देखे तो कार्बोहाइड्रेट बाबू कितने प्रकार का मिला तीन जो पानी में जाके जो कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटेगा उसको कहेंगे मोनोसेक्राइड जो जाके दो से लेके नौ या तो दो में टूट जाए या तो तीन में या तो चार में या तो पांच छह सात आठ नौ अगर इसके अंदर टूटा तो कहना ना बागोसेक्राइड क्या बोलना ओलिगोसेक्राइड अगर नौ से भी ज्यादा टूटा तो कहना पॉलीसेक्राइड अब ध्यान दो बाबूडे ऐसा कौन कौन है एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज के बारे में हम आपको बताए थे एक बार याद करो रुक जाओ एक छोटा सा पॉइंट बाबू आपको याद दिलाते हैं याद करो हमने आपको कहा था सुक्रोज सुक्रोज मतलब बाबू चीनी ने चीनी याद करो और जो बात बाबू ध्यान दो जो नहीं भी क्लास किए वो भी मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए समझ में आ जाएगा अगर बाबू रे सुक्रोज यानी चीनी को अगर तुम पानी में फेंकता है ना बाबू रे तो चीनी पानी में जाने के बाद आप लोग सभी को पता होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है तो तुम लोग देखना बाबू इट मीनस बोलना सुक्रोज को पानी में फेंके तो दो कण में टूट गया ना और अभी क्या बोले जो दू या दो दो तीन चार यानी दो से लेकर नौ में टूटता है उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं इट इटमीन्स बाबू सुक्रोज बाबू किसका एग्जाम्पल होगा ओलिगोसेक्राइड का क्योंकि ये पानी में जाके दो गो कन में टूट गया देख लो बाबू इसलिए तो कह रहे इसलिए देखो तो सुक्रोज का एग्जाम्पल ओलिगो सेक्राइड में ठीक है इट मीन्स याद रखना बूढ़े सुक्रोज माल्टोज और लेक्टोज को जब तुम पानी में फेंकेगा ना बाबूरे, तो याद रखना याद को हम तुमको बताए भी थे कि सुक्रोज को फेंकोगे तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज अगर माल्टोज को फेंकोगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज यानी दोनों ग्लूकोज अगर ग्लेक्टोज को टूटो फेंकोगे बाबू रे तो, तो ग्लूकोज ग्लेक्टोज में टूटता है याद रखना तो क्या देख रहे हैं बोलो इसको पानी में फेंकेंगे बाबू दोन में टूट गया ना और जो टूट जाए दो से लेकर नौ में उसको ओलिगोसेकराइड कहते हैं इसलिए ओलिगो सेक्राइट का ये तीन एग्जाम्पल है और ये भी याद रखना जो अभी बोले ऑब्जेक्टिव पूछ देगा ध्यान दो कि सुक्रोच को फेंकेंगे तो क्या तो क्या बोलेंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज को फेंकेगा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज अगर माल्टोज को फेंकेगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज अगर बाबू फ्रुक्टोज को फेंकेगा तो ग्लूकोज और ग्लैकटोज ग्लूकोज और ग्लैकटोज में टूटेगा तो बोलो बाबू इसको फेंक रहे थे तो टूट रहा है ना और जो बाबू ने पानी में जाने के बाद दो से लेके नौ कण के बीच में टूटे उसको कहते हैं इट इटमीन्स ये तीनों एग्जांपल ओलिगोसेक्राइट का हुआ लेकिन बाबू तुम अब इसका बात करो ध्यान ध्यान दो अगर हम लोग अगर इसका बात करें इसका और इसका बात करें तो तुम लोग समझ पा रहा होगा भैया अब वो नहीं टूटेगा क्यों वो ऑलरेडी टूट चुका है भैया सुक्रोज तो टूटा भैया तब नहीं ये बना अब इसको फेंकेगा पानी में नहीं टूटेगा इट इटमीन इसको अगर तुमने पानी में फेंकेगा बाबू ये नहीं टूटेगा तो ये सब टूटेगाइड इसलिए बाबू एग्जाम्पल देखो रे ग्लूकोज है बाबू रे ग्लेक्टोज ग्लेक्टोज इट मीन ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लेक्टोज ऑलरेडी टूट के बना है इसलिए इसको फेंकेगा तो और ये नहीं टूटेगा और जो नहीं टूटेगा उसको कहना मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड लेकिन बाबू रे अगर तुमने सुक्रोज माल्टोज या ग्लेक्टोज को अगर फेंकेगा तो वो टूटेगा दो से लेकर नौ के अंदर टूटने तुँ तुँ वाले को कहते हैं इसलिए बाबू रे ओलिगोसेकराइड का एग्जाम्पल होगा लेकिन अगर तुम पानी में स्टार्च ग्लाइकोजन और सैल्युलोज को फेंक देगा ना बाबू अगर तुम स्टार्च ग्लाइकोजेन और सेलोलोज को बाबू अगर तुम पानी में फेंक देगा ना तो ये बाबू नौ से भी ज्यादा कन में टूटेगा इसलिए ये सब हुआ पॉलिसेक का एग्जाम्पल चलिए तो आप लोग मुझे ये बताइए बाबू ध्यान देना चलो गुड तो आप लोग बाबू एकदम अच्छे से हमको लगता है कि तुम लोग एग्जाम में लिख दोगे बाबू इसके बारे में क्या लिखोगे बोलो कि जल अपघटन के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं मोनोसेक्राइड लिखेगा वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में जाकर नहीं टूटते हैं बारे में क्या लिखेगा वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में जाकर दो से लेके नौ कन के बीच में टूट जाते हैं या दो से नौ मोनोसेकर उत्पन्न करते हैं टूट जाते हैं बोलना और वैसा पॉली का क्या बोलेगा वैसा कार्बोहाइड्रेट जो नौ से भी अधिक कार्बोहाइड्रेट या नौ से भी अधिक कणों में बाबू टूट जाते हैं उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड याद रखना एग्जाम्पल भी हम लोग को याद हो गया कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज भैया ये टूट के बना है इसलिए ये नहीं टूटेगा ये एग्जाम्पल हुआ मोनोसेकेराइड का सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज टूटता है दो कण में इसलिए इसको ओलिगोसेकेराइड कैटेगरी में रखेंगे और जो भैया दो से ज्यादा यानी स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोज भैया बहुत सारा में टूटता है इसलिए हुआ

को अगर पानी में फेंकेंगे तो क्या क्या बनेगा जल्दी बाबू प्रोज को अगर पानी में फेंकेंगे तो क्या क्या बनेगा जल्दी प्रूकटोज को अगर पानी में फेंकेंगे तो क्या बनेगा जल्दी देखते हैं किस किस बच्चे का ध्यान था पढ़ाई पे जल्दी फास्ट बाबू सुनील बाबू आप कह रहे हैं लिखवा दीजिए हाँ थोड़ा सा कम से कम सुना भी करो बाबू देखो है इन सभी चीज का अगर तुम स्क्रीन शॉट लेगा ले तो देखो यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश तन हल्का कोशिश करेगा समझ में आ जाएगा ठीक है मैं हल्का बता देता हूँ ठीक है लिखवाना देखो लिखवाने के बाद ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा समझ पा रहा है बाबू हल्का हल्का सुन लो इंग्लिश स्क्रीन शॉट लेगा हिंदी में कन्वर्ट आराम से लेगा है देखो क्या लिखा है पढ़ो देखो क्या लिखा है बारे में द कार्बोहाइड्रेट विच नॉट ब्रेक वही वैसा कार्बोहाइड्रेट जो नहीं टूटता है

यानी अंश जो भी नाम होगा बाबू रे ध्यान दो बाबा यहाँ गौर सुनना है अरे यहाँ ध्यान देना बाबू जो बोल रहे रे आप लोग बात वो याद रखना है रे आप लोग गलती कर दी इतना देर से ही चिल्ला रहे थे बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग याद रखो कि सुक्रोज को फेंकेगा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये ध्यान दो एक मिनट ग्लूकोज फ्रुक्टोज अच्छा बाबू ध्यान दो एक मिनट देखिए कुछ कुछ बच्चे ने बाबू सही भी बोला ध्यान देना माल्टोज को फेंकोगे ध्यान देना रे माल्टोज को फेंकोगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज अगर बाबू लैक्टोज को फेंकोगे तो बाबू याद रखना रे ग्लूकोज और ग्लेक्टोज ग्लेक्टोज ठीक है ग्लेक्टोज गैलेक्टोज लेकिन हम पूछ रहे थे फ्रुक्टोज अगर लेकटोज पूछते तो ग्लूकोज गलेक्टोज था ही था लेकिन हम पूछे फ्रुक्टोज तो कुछ कुछ बच्चे ने लिखा था आंसर हम हाँ देख रहे थे कि फ्रुक्टोज भैया टूटेगा ही नहीं बात तो सच है फ्रुक्टोज ऑलरेडी भैया टूट के बना है एग्जैक्ट तो अगर हम लेकटोजोज पूछते तो ग्लूकोज गलेक्टोज होता हम फ्रुक्टोज पूछे इट इटमीन्स ये टूटेगा ही नहीं चलो तो गुढ़ेरे आज बाबू ध्यान देना रे एक बात ऐसा करना है जो बाबू क्वेश्चन है ना इसमें एक पॉइंट और लिख देना कहीं अच्छा बनने के लिए ये वाला यानी को थोड़ा सा इमेज तुम्हारा बढ़ जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की कुछ मुख्य बातें क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम देरों पेज में नहीं लिखेगा तो बेकार वाली बात है ना तो सुनो इसे तो नहीं एक्स्ट्रा बात देखो दिए कार्बोहाइड्रेट की कुछ मुख्य बातें प्लीज ध्यान दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कार्बोहाइड्रेट वही कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य बातें तो देखो क्या क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मतलब यह हुआ हिंदी कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है बोलो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है कि नहीं कार्बो अरे कार्बन तो हे किया तो जिसमें कार्बन होता उसको है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं वही कार्बनिक यौगिक हम लोग कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना एक कार्बनिक यौगिक होता है क्योंकि उसमें कार्बन है दूसरा उसको तुम अगर प्राप्त करना चाहता है तुमको प्राकृति से मिल प्रकृति मतलब तुमको ऐसा नहीं बाबू ध्यान दो अगर तुमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ना तुम बाबू जानबे करता है कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है चावल अरे चीनी गेहूं तो बोलो चावल चीनी गेहूं सब क्या है बाबूरे रे प्राकृतिक चीज है ना तो वही लिखा है बाबूरे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो एक कार्बनिक यौगिक होता है जो नेचुरली ऑकरिंग मतलब जो प्रकृति से ही हम लोग को प्राप्त हो जाता है वही गेहूं चावल ठीक है एंड आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ये सब, सब आपको बचपन से ही पता है कि तुम्हारे बॉडी में जो अगर एनर्जी का जरूरी होता है ना तो उस एनर्जी के लिए तुम लोग क्या करता है चावल दाल खाता है बाबूरे तो वही देखो चावल दाल क्या है बाबूरे चावल दाल से तुमको एनर्जी मिलता है ना और चावल दाल में है कौन कार्बोहाइड्रेट

जो प्रकृति रूप से हम लोग को प्राप्त होता है और दूसरा लिखा है कि हमारे बॉडी अब हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए यह सबसे मुख्य स्रोत है ठीक है और आगे देखो क्या लिखा इन प्लांट्स मतलब पौधों में कार्बोहाइड्रेट बाबू रे कैसे बनता है रे फोटो मतलब प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनता है अब दिखाते हैं कैसे तुम लोग के मन में क्वेश्चन होगा ना कि भैया गेहूं चावल में कार्बोहाइड्रेट आया कहां से तो है देखो कहां से आया गेहूँ चावल का क्या होता है बाबू रे पेड़ अच्छा आप सभी को पता है कि जो पेड़ होते हैं वो पेड़ सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आप लोग को और बाबू वो जमीन से पानी घिसते हैं जमीन से पानी घिसते हैं और बाबू आपको पता होगा सूर्य की प्रकाश यानी सनलाइट सूर्य की प्रकाश और बाबू क्लोरोफिल ध्यान देना क्लोरोफिल के उपस्थिति में बाबू ध्यान देना रे आप लोगों को पता होगा कि पौधा सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है ग्लूकोज क्या बनाता है प्लस ऑक्सीजन निकालता है और प्लस एनर्जी ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं देखो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया ऑक्सीजन निकाला इसी को हम लोग लेते हैं बाबू इसी ऑक्सीजन को अपना लोग सांस के थ्रू लेते हैं रे और देखो बाबू ये बना ही है तो गौर से सुनना बाबू ये कौन है ग्लूकोज ये कौन है रे ग्लूकोज जिसमें ओ जो उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं देखा इट मीन सब समझ में आया कि पौधा के अंदर कार्बोहाइड्रेट आया कहा से तो कहाँ से कार्बोहाइड्रेट आया पता चल गया बाबू कहाँ से तो हम लोग को समझ में आया भैया कि पौधा के अंदर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया तो भैया वो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जड़ से भैया जल घिंचा उसको भैया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करके भैया ग्लूकोज बनाया वही एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है वही बाबू गेहूं चावल चीनी उनी में जाता है समझ में आ रहा है ना और इसी को हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है तो बोलो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या बात पता चला एक मिनट हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू क्या क्या बात पता चला रे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में भैया बात पता हमको ये चला कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं सही बात है क्योंकि वो कार्बन से बना होता है दूसरा बात पता चला कि कार्बोहाइड्रेट हमको प्रकृति से ही प्राप्त हो जाता है तीसरा बात पता चला कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है ऊर्जा और चौथा बात पता चला बाबू रे की कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है देखो अरे यही क्लास दसवा प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था ना कि जब सी ओ टू एच टू ओ से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में विक्रिया कर ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं अरे ना वही भोजन यही पौधा का भोजन है भोजन का निर्माण करता उसे है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं तो चलो ये सब लिख देगा ना बाबूड़े तो तुम्हारा इमेज और सबसे अलग हो जाएगा ठीक है इसलिए हम तुमको तो कोशिश किए थोड़ा सा अलग का का बताने चलो अब बाबू हम लोगों का पहला क्वेश्चन बहुत ही डिटेल्स में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए कि क्वेश्चन हम लोगों का था पहला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट ध्यान दो रे हमारा पहला क्वेश्चन था बाबू ध्यान देना हमारा पहला क्वेश्चन यही था क्या कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे करें यानी व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड तो क्या लगता है बाबू तुम लोग को क्या ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से लिख लोगे कि नहीं पहले मुझे मैसेज करके बताओ क्या ये क्वेश्चन आप आएगा तो आप लोग मैसेज करके लिख दोगे कि नहीं जल्दी जल्दी बाबू आत्मानंद कुमार आप भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तुम लोग भी अच्छा से पढ़ाई करता है इसलिए बाबू अच्छा से पढ़ा लेते हैं रे ले। नाइस सर आई एम क्लास इलेवन अच्छा आयु सर क्लास इलेवन का स्टूडेंट है समझ में आ रहा है आयु तुम लोग को चलो बाबू इन गुड आइए ध्यान क्या आप लोगों को याद हो गया आप, आप इस क्वेश्चन को लिख लोगे जल्दी बताओ आप लोग अगर ये क्वेश्चन आएगा पांच मार्क्स का लॉन्ग तो लिख पाओगे हाँ या नहीं जल्दी बताओ फिर मैं अगला क्वेश्चन तरफ मूव करता हूँ यस भैया ठीक है ध्यान दे रहे सुनना देखो यस भैया जी भैया बिल्कुल बिल्कुल तो रे याद रखना ध्यान अच्छा आप लोग ऐसा करो बाबू एक हम शॉर्ट में इंट्रो खाली बता देते हैं जितना बताएं कार्बोहाइड्रेट के बारे में दो मिनट में आप लोग मेरे साथ बोलना क्या कैसे कैसे लिखोगे तो लिखोगे कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से बना है सब मेरे साथ बोलना बैठे बैठे कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से बना है कार्बोहाइड्रेट कार्बो और हाइड्रेट कार्बो मतलब कार्बन हाइड्रेट मतलब तो वाई होता है, है।, जिस जिस है कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल कमिया क्या क्या था फॉर्मल डिहाइडेसिटी के एसिड ठीक है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को बांटे थे किसके आधार पे जल अवघन यानी हाइड्रोलाइसिस के आधार पर तो कितना प्रकार का हुआ तीन मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड उसको कहेंगे जो पानी में जाने के बाद नहीं टूटता है ओलिगोसेक्राइड उसको कहेंगे जो पानी में जाने के बाद दो से लेकर नौ में टूट जाता है और पॉलीसेक्राइड उसको कहेंगे जो बहुत सारे में टूट जाएगा एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे मोनो का ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लेक्टोज मोनोसेक्राइड हुआ सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज ओलिगोसेक्राइड हुआ सेलुलोज और स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड हुआ फिर उसके बाद हम लोग को नीचे में लिख देना है तक अच्छा इमेज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की कुछ मुख्य बातें फिर बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बनिक यौगिक हमें प्राकृति से प्राप्त होता है कार्बनिक यौगिक अरे ध्यान दो कार्बनिक यौगिक अरे सॉरी कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है यही सब बात को समझा दिए हमको पूरा आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के तरफ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू थोड़ा सा मैं अब उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो क्वेश्चन के मैं अभी तक बताया नहीं हूँ आप लोगों के क्लास में आप लोगों को पता होगा फेयरवेल के दिन थोड़ा सा टॉपिक्स बच गया था नरे डीएनए आरएनए प्रोटीन तो वो सब अब उससे आज ही हो जाएगा इसलिए हम उसमें बताएंगे ठीक अच्छा, है तथा प्रोटीन की संरचना बताए आज बाबू अमीनो अम्ल क्या है तथा प्रोटीन की संरचना बताए ऐसा करते हैं चलो एड्रेस बताते हैं चलो क्वेश्चन नंबर दो ही पहले देख लो हल्का वो जानता है लेकिन चलो फिर से समझते हैं हम लोग एक बार अमीनो अम्ल क्या है तथा प्रोटीन की संरचना का वर्णन करें वट इज अमीनो एसिड एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये भी बाबू पांच मार्क्स का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी हम लोग संभावना लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है ठीक है आइए बाबू उड़े तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते बाबू ध्यान देख देखो ध्यान दो रे आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो को देख के ही जहां याद रखना नहीं तो बहुत आगे दिक्कत होगा सुनना बाबू देखो क्या है अगला क्वेश्चन बाबू रे अमीनो अम्ल क्या है आओ बाबू रे हम आप लोगों को क्या बताए थे क्लास में आपको पता ही होगा आओ देखो अमीनो अम्ल इंग्लिश में कहते हैं अमीनो एसिड ठीक है देखो ये क्या है बाबू रे गौर दिमाग लगाना आज बाबू रे बोलो अमीनो एसिड भी तुमको दो वर्ड से बना हुआ लग रहा है कि नहीं कौन कौन बाबू रे एक लग रहा होगा अमीनो और दूसरा लग रहा होगा एसिड ना बाबू रे अच्छा 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 देखो देखो वही तो बता रहे ध्यान दो अमीनो एसिड दो वर्ड से बना है अमीनो और दूसरा एसिड अच्छा अमीनो मतलब अमाइन अमीनो मतलब अमाइन अमाइन और एसिड बोलते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोजाइलिक एसिड होता है कार्बो जाइलिक एसिड ध्यान दो रे अच्छा बाबू अम, अमाइन का मतलब होता है एनएच टू अमाइन का मतलब एनएच टू और कार्बोजाइलिक एसिड का मतलब होता है सीओ ओ एच इट मीन्स ध्यान दो रे इट मीन्स हम लोग समझ गए भैया कि अमीनो एसिड में बाबू दोनों होना चाहिए ध्यान दो अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा उसमें कोई एक एक होता था या तो सीओ एच होता था या तो एन एच टू होता था लेकिन अमीनो एसिड बाबू एक प्रकार का ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक साथ दोनों कौन बाबू रे एन एच टू भी होता है और सीओ ओ एच भी होता है तो भैया ये तो महा बच्चा वाला बात भैया हो गया क्या बोलो बोलो ये महा बच्चा वाला बात बाबू ये हो गया अरे कि अमीनो एसिड क्या है तो हम लोग आराम से परिभाषा लिख देंगे क्या लिखेंगे बाबू बोल 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 हम लोग क्या लिखेंगे परिभाषा रे कि अमीनो एसिड अमीनो एसिड बाबूरे ध्यान दो लिख रहा है बाबूरे द ऑर्गेनिक कंपाउंड बात तो सच है देखो क्यों अभी क्या बोले अमीनो एसिड दो वर्ड से बना है अमीन और एसिड अमीन मतलब NH2, टू एसिड मतलब कार्बोजिक एसिड तो बोल बाबू रे क्या इसमें कार्बन है या नहीं और जिसमें कार्बन होता है उसको कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग अमीनो एसिड क्या है तो सबसे पहले बोलेंगे अमीनो एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एनएच टू और सी एच दोनों क्रियाशील समूह ये तो क्रियाशील समूह ही है खांदान है खांदान है दोनों क्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं उसे अमीनो एसिड कहते हैं मुझे आशा है कि आप लोग को परिभाषा याद हो गया होगा क्या बोले बोलो कि अमीनो एसिड में कार्बन है इट मींस ये कार्बनिक यौगिक है कहेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें ये नहीं ये नहीं बल्कि दोनों 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 तो क्या बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड जिसमें वैसा सॉरी वैसा कार्बनिक यौगिक ना रे? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एनएच टू तथा सीओओ एच क्रियाशील समूह एक साथ उपस्थित होते हैं उसे अमीनो एसिड कहते हैं इंग्लिश में लिखा है बाबू द ऑर्गेनिक कंपाउंड वही वह द ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वह कार्बनिक यौगिक इन विच मतलब जिसमें सीओ एच मतलब यही यही एंड एन एच टू मतलब ये बोथ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट वही तो बोले कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एनएसू और सीओ एच दोनों क्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं उसे अमीनो एसिड कहते हैं अब तुम लोग कहेगा भैया एग्जाम्पल भैया जैसे दिखाई भैया कौन कौन भैया दोनों रहेगा ध्यान दो रहे। तुम लोग सबका स्क्रीन शॉट लेना ले ले बाबू रे की बाद में अगर हमको लिखना होगा तो तुम लोग इससे दिमाग लगा लगा के हिंदी भी लिख सकता है ठीक है अब अगर सुना रे यहाँ ध्यान देना एक मिनट आप लोग बारीकी समझने का प्लीज पहले कोशिश करिए देखिए हाँ, यहां गौर सुनना बाबू यहाँ देखना चलो तो यहाँ तक बाबू हो जाने के बाद गौर सुनना हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल आओ एग्जाम्पल बाबू यहाँ लिखा है लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ एग्जाम्पल आओ क्लास में भी समझाए थे है, देखो बाबू रे एक मिनट गौर सुनना बाबू जैसे आर, आर सी ध्यान दो आर सी एन एच टू ठीक है सीओ ओ एच तुम लोग खुद बनाओ अरे आर का मतलब आपको सबको पता है कि कार्बन होता है तो बोलेंगे भैया कार्बन होता है तो सी क्यों नहीं लिखे आर क्यों लिखे हम आपको बताए थे कि तुम लोग आर के जगह अरे कार्बन के जगह पे आर इसलिए लिख देना कि अगर एक कार्बन रहे दो रहे तीन रहे चार जैसे मैथ में ना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक्स लिख देते हैं कुछ भी हो सकता है उसी तरह से यहाँ पे एक कार्बन दू रहे दस रहे पचहत्तर रहे लाख रहे आर लिख दिए ना तो आर का मतलब होगा कितना भी कार्बन तुम ले सकता है ठीक है लेकिन कार्बन लिख देंगे तो फिक्स हो जाएगा कि के लेना पड़ेगा इसीलिए बाबू आर तुम मुझे एक बात बताओ बाबूरे तुम अगर इस यौगिक को देख रहा है ध्यान देना, तुम अगर इस कंपाउंड को देख रहा है किसका बाबुडे? अमीनो एसिड का ठीक है क्योंकि इसमें बाबूरे रे एनएच टू भी है और सीओ एच दोनों एक साथ है ठीक है आइए अब बाबू एक बात ध्यान सुनना जो बोल रहे हैं ये आर दिख रहा है तुम लोग ये आर इस आर को हटा के अगर बाबू तुम यहाँ पे एच लगा देगा गौर सुनना इस आर को हटा के तुम अगर एच लगा देगा ना तो उसका नाम ग्लाय हो जाएगा क्या नाम हो जाएगा मतलब उस उस एसिड का नाम हो जाएगा अगर बाबू तुम गलायिन सी एच थ्री लगा देगा ना तो नाम हो जाएगा एल 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 एन पुरा नाम है अगर तुम सी एच टू होल्ड ट्वाइस और सी एच लगा देगा तो नाम हो जाएगा भैल अगर बाबू तुमने सी एच थ्री होल्ड ट्राइस लगा देगा तो नाम हो जाएगा ल्यू मतलब वो अब समझ में आया कि ये जो ग्लाय एल एल ल्यू ये सब देख रहा है ना ये सब एमिनो एसिड का ही एग्जांपल है किसके आधार पर बाबू अभी क्या बोले रे किसके आधार पर तुम जो अमीनो एसिड में क्या होता है बोलो एन एच टू भी होता है और सी ओ ओ एच भी होता है जिसमें दोनों हो उसे अमीनो एसिड कहते हैं बाबू तो क्या बोले इस आर के जगह पे अगर तुमने यहाँ पे एच लिख दिया तो इसका नाम होगा ग्लाय अगर तुमने सी एच थ्री लिख दिया तो नाम होगा एल ए अगर तुमने सी एच थ्री होल्ड ट्वाइस सी एच लिख दिया तो नाम होगा वेल अगर सी एच थ्री होल्ड ट्राइस लिख दिया तो नाम होगा ल्यू मतलब अब समझ में आया भैया जहां पे आर था वहां पे अलग अलग चीज लगा लगा के अलग अलग अमीनो एसिड बनाया जाता है ठीक है तो इट मीन्स बाबू ये सब एग्जाम्पल किसका हुआ है अमीनो एसिड का किसका एग्जाम्पल हुआ बाबू अमीनो एसिड का अच्छा बाबू एक बात और याद रखना अमीनो एसिड जो होते हैं ना बाबूड़े वो दो प्रकार के होते हैं देखो लिख दिए हैं कि अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ध्यान रखना बाबूड़े अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स तेरे इट मींस हम यहाँ लिख दिए हैं कि देयर आर लिख दिए देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे लिखे हैं कि अमीनो एसिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं कौन कौन सा बाबू एसिड हिंदी आवश्यक आवश्यक अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल आप लोग बाबू अक्सर क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे दो में भी ये पूछता है कि आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल में क्या अंतर है तो नाम में ही बाबू है छिपा हुआ आवश्यक गौर से समझना जो बात बता रहे हैं ध्यान देना बाबू अरे अच्छा बाबू ये सब कौन है बाबू रे ये सब भैया अमीनो एसिड है कौन है कौन है अमीनो एसिड लेकिन बाबू एक बात याद रखना इस सारे अमीनो एसिड में तुम जो ये देख रहा ना बाबू ये 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 सिर्फ हमारे शरीर में बनता है बाकी ये सब में से कोई हमारे शरीर में नहीं बनता है ध्यान देना ये सब हमारे शरीर में नहीं बनता है तीन वो लेकिन ये बनता है हमारे शरीर में तुम लोग खुद दिमाग लगा बाबू रे कि अगर ये सब हमारे शरीर में नहीं बनता है ये हमको जरूरी है अरे बाबू हमारे शरीर में अगर बनता तो हमको क्यों जरूरी है बनवे कर रहा जो हमारे शरीर में नए बनेगा वो ना जरूरी होगा ना इट मीन्स ये हमारे शरीर में नए बनता है ना बाबू रे इसलिए ये अमीनो एसिड हम लोग को जरूरी होता है लेकिन बाबू ये जो देख रहा है ना ये गला ये गलाय हम लोग के शरीर में बनता है और जो अमीनो एसिड हम लोग के शरीर में बनता है उसको जरूरी नहीं है इटमीन्स ये अनावश्यक है जरूरी नहीं है क्योंकि बनता है नॉन है जबकि ये बाबू जरूरी है क्योंकि नए बनता है तो ये आवश्यक है तो बोलो क्या देखा तुमने ये सारा था अमीनो एसिड जल्दी बोल जल्दी बाबू ये सारा कौन था तो बाबू अभी पता चला कि ये ये हो या ये हो ये सारा अमीनो एसिड था लेकिन अमीनो एसिड कितने प्रकार का हो गया दो गो बाबू ये सब बनता है इसलिए ये आवश्यक और ये बनता है इसलिए ये अनावश्यक याद रखना अमीनो अम्ल दो प्रकार का एक आवश्यक अमीनो अम्ल एक अनावश्यक अमीनो अम्ल देखो परिभाषा भी लिख दिए हैं कि वैसा अमीनो अम्ल हेरे विच इज नॉट फॉर्मड इन आवर बॉडी अभी क्या बोले आवश्यक आवश्यक मतलब अभी क्या बोले थे फर्स्ट ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ये सब नए बनता है शरीर में ये जरूरी है अरे ये जरूरी है क्योंकि नए बनता है तो जरूरी है तो वही लिखा है रे कि आवश्यक वही होगा जो नए बनता है तो वही लिखा अमीनो है अमीनो एसिड इज नॉट इन बॉडी देखो एग्जांपल भी लिख दिए वेल ल्यू बाबू रे वेल और ल्यू इट मीन बाबू ये चूंकि ध्यान दो ये हमारे शरीर में नए बनता है तो हमको जरूरी है तो बोलो आवश्यक अमीनो अम्ल का क्या बोलेगा परिभाषा तो सिंपल बोलना वैसा अमीनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है तब ना उनको आवश्यक है एग्जाम्पल वही ये तीन गोवा बुढ़े अच्छा अनावश्यक अमीनो अम्ल में क्या लिखेगा अनावश्यक मतलब हमको जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे शरीर में बनता है क्या तो बोलेंगे वैसा अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनता है देखो इंग्लिश भी लिखा है कि द अमीनो एसिड विच इज फॉर्मड इन आवर बॉडी वह अमीनो एसिड जो शरीर में बनता है जैसे ग्लाय तो ग्लाय बनता है इसलिए जरूरी नहीं है ये नहीं बनता है ये जरूरी है इट इटमीन्स अमीनो एसिड दो प्रकार का एगो आवश्यक एगो अनावश्यक जो बनता है जो बनता है वो अनावश्यक जो नहीं बनता है वो आवश्यक ठीक है थीके? चलो बुढ़े रे हमको लगता है कि आराम से आप लोग एग्जाम में लिख दोगे बाबू सब आइए रे अब आप ध्यान बाबू प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन। क्योंकि क्या था हेडलाइन क्या था अमीनो अम्ल क्या है तथा तो प्रोटीन की संरचना का वर्णन करे तो प्रोटीन की संरचना का वर्णन करने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या है तो गौर सुनो बाबूढ़े प्रोटीन हिंदी में भी प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं बाबूढ़े इतना तो जरूर आप लोग को पता है ध्यान देना अब गौर से सुनो बाबू रहे तो प्रोटीन किसको कहते हैं गौर सुनो देख रहे प्रोटीन के बारे में क्या क्या लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो पहले देखो पहला लिखा है कि प्रोटीन वर्ड इज कम्स फ्रॉम प्रोटीओज इंपॉर्टेंस एंड रिक्वायरमेंट क्या बोला ध्यान दो करा प्रोटीन शब्द आया है प्रोटीओज से किससे आया बाबूढ़े प्रोटियोज से जिसका मतलब हुज मीनिंग मतलब जिसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस या रिक्वायरमेंट मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक इंपॉर्टेंस मतलब महत्व प्राथमिक महत्व होता है किसका बाबू प्रोटीन का बात तो सच है अरे हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी है प्रोटीन भी है विटामिन भी है ध्यान दो है लेकिन तुमको पता होगा कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है है तो मतलब होता है प्राथमिक जरूरत सबसे पहली जरूरत है सब चीज कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है विटामिन की भी जरूरत है लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो भी तनी मनी चल सकते हैं लेकिन प्रोटीन की हम लोग की प्राथमिक जरूरत है प्रोटीन हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना बबूढ़े तो चलो तो पहला लाइन समझ गया क्या समझा कि प्रोटीन प्रोटीओज मतलब प्राथमिक जरूरत मतलब सबसे पहली जरूरत कोई रहे जरूरत किसी का रहे लेकिन इसका जरूरत सबसे पहले होता है ठीक है देखो अगला देखो बाबू अगला लिखा है प्रोटीन इज बायोमोलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत गजब बात बाबू कि ध्यान बाबूरे जितने भी सजीव होते हैं जितने भी दुनिया में जिंदा जीव है उस जिंदा जीव के अंदर बाबून बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। देखो क्या लिखा है प्रोटीन इज अ अयोमोलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम जो जीव है ध्यान दो रे जितने भी बाबूरे जीव हैं उस जीव में बाबू प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते मतलब है मतलब जैसे हम ही तो वो होता है प्रोटीन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट तो मतलब हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैव अनु यानी बायोमोलिक्यूल है ठीक है आइए प्रोटीन फॉर्म फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी वाह गजब बात ये तो आपको हमको क्लास में बहुत अच्छे समझ आए थे क्या बताए थे याद करो

तो कोशिका नहीं बनता और कोशिका नहीं बनता तो क्या तुम्हारा शरीर बनता बाबू इट इटमीन्स क्या देखा हमारे शरीर के संरचना को यानी वही मूलभूत संरचना को मूलभूत संरचना को बनाने वाला कोशिका और कोशिका को बनाने वाला प्रोटीन इटमीन्स क्या देखा प्रोटीन हमारे शरीर के मूलभूत संरचना को बनाता है बात तो सच है क्योंकि प्रोटीन नहीं रहेगा तो कोशिका नहीं बनेगा कोशिका नहीं बनेगा तो उतक नहीं बनेगा उतक नहीं बनेगा तो अंग तंत्र नहीं बनेगा और अंग तंत्र नहीं बनेगा तो अंग नहीं अरे अंग नहीं बनेगा अंग नहीं बनेगा बने तो अंग तंत्र नहीं बनेगा और अंग तंत्र नहीं बनेगा तो शरीर नहीं बनेगा मतलब हमारे शरीर की संरचना को बनाने कौन बनाता है प्रोटीन ठीक है गुड अगला इट इज प्रेजेंट इन होल पार्ट ऑफ आवर बॉडी हाँ ऐसा नहीं है कि प्रोटीन खाली माथे में होता है प्रोटीन हमारे शरीर के हर एक भाग में होता है ठीक है अगला इज मेनली फाउंड इन मिल्क फिश वेजिटेबल बटर बाबू बटर में मानते हैं कि फैट यानी वसा भी पाया जाता है मिल्क, हैं सब खाओ। खाओ प्रोटीन आएगा प्रोटीन आएगा कोशिका बनेगा, बनेगा तो एकदम तगड़ा रहेगा मेरे तरह समझ में ना बाबू शरीर रहेगा सब पतला रहता है तुम लोग बाबू ध्यान दोबू देखो अगला मस्त बात बताया दो का लैंग्वेज इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड डरना मत प्लीज कह रहा बाबू ये जो होता है ना यानी कि प्रोटीन जो होता है ना वो अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है पॉलीमर बोलते तुम समझ गया होगा ओ भैया अल्फा एमिनो एसिड याद करो अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड अच्छा आप तुम लोग कहेगा भैया हमको अल्फा एमिनो एसिड भैया नहीं समझ में याद करो वेट क्या बोले थे ध्यान दो सी ध्यान न बाबू और सी और सी या तो बोलो अमीनो एसिड में कौन कौन सीओ एच और एन एस टू होता है दोनों ने थे? तो ध्यान गौर सुनना जो बोल रहे हैं यहाँ गौर सुन गौर सुन यहाँ देखना बाबू रे तो बोला इसमें सी ओ एच भी है और एन एस टू भी है ना लेकिन बोले एन एस टू को देखना रे रूको हम बताए थे खानदान के बगल वाले को अल्फा उसके बगल वाले को बीटा और उसके बगल वाले को गामा तो बोले यहाँ पे एन एस टू किस पर अल्फा पे है ना अरे अल्फे पर है ना रे तो ये क्या होगा बाबू ये यही जो देख रहा हैं ना एक्साम्पल आप यही कौन है रे अल्फा आ चूंकि दोनों है अमीनो है और एसिड भी है जो कहेंगे अल्फा एसिड तो कहता है कि जो प्रोटीन है ना बाबू वो प्रोटीन इसी से मतलब इसी का बहुलक है बहुलक कहने मतलब कहने का का मतलब मतलब पॉलीमर इसी को लेके अल्फा इमिनो एसिड अल्फा एसिड अल्फा इमिनो एसिड अल्फा अल्फा एसिड एसिड जब तुम बहुत सारा अल्फा अल्फाइमो एसिड को लोगे बहुत सारा अल्फा अल्फाइम एसिड को लोगे जोड़ दोगे तब जाके प्रोटीन बनेगा इट इटमीन्स क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो एक लक है बहुलक बहु बहुत सारा बहु बहुलक है लेकिन किसका अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर है अल्फा एमिनो एसिड का ठीक है चलिए बाबूड़े आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीन शॉट मोबाइल स्विच डॉफ हो गया तुम लोग हम सेट नहीं देख पा रहे हैं ठीक है हम थोड़ा तो सा ऑन कर दे बाबू जल्दी आइए थोड़ा तो सा आप लोग भी रेस्ट मिलेगा बस और दस मिनट पंद्रह मिनट और चलेगा बाबू आप लोग जल्दी से पहले इसको देख लो आन गया थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ प्रोटीन प्रोटीन हाँ इसका स्क्रीन ले लो तो मोबाइल ऑन करते हैं आ, इतना लंबा लाइव चला ना कि बताओ इस मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया ले लो भा स्क्रीन शॉट हाँ चलिए ध्यान दवा बोलिए ये क्वेश्चन तो हमारा इस भी कम्प्लीट भी हो गया नरे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते संरचना अभी तो खाली प्रोटीन हुआ संरचना दो मिनट में संरचना भी हो जाएगा संरचना कोई हार्ड नहीं बाबू रे लेकिन प्रोटीन नहीं जानता तो संरचना मजा नहीं आता पढ़ने में स्क्रीन शॉट ले लिया होगा ऐसा करते हैं पहले संरचना बता देते हैं उसके बाद मोबाइल भी ऑन हो जाएगा मेरा सुन रहे अगला देखो बाबू क्या लिखा है रे अगला लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना याद रखना होगा प्रोटीन की संरचना अगर तुमको बना देंगे ना तो तुमको हंसी आ जाएगा तुम देखे आप प्रोटीन की संरचना जाग बाबू तुम लोग अभी अभी हम रुको हम नहीं हमने होगा तो इससे भी दिखाएंगे तुमको प्रोटीन का संरचना है देखो है ना यही है प्रोटीन क्या समझा बताओ ये है प्रोटीन बाबू अब तुम कहेगा सर क्या मजाक कर रहे हैं सर ये प्रोटीन होगा सर कुछ भी ध्यान बाबू जो आप लोग को बोले बाबू तो बिल्कुल सही है रे ध्यान देना वही बाबू रे प्रोटीन था यहाँ गौर सुनना रुको मैं देखता हूँ कोशिश आप लोग को दिखाने का देखो रे तुम लोग को हंसी लगा अब देखो देखो रे यही बाबू प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बताओ ये जो तुम लोग देख रहे हो बाबू यही प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बताओ इसको देख के तुम क्या समझ पा तुम लोग को देख देख के पहले बार डर आ गया होगा कि भैया ये भैया इसको भैया समझना असंभव है ना बाबू रे यही है प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो तुम लोग खुद बताओ बाबू रे क्या इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जब तुम देख रहा है तो क्या लग रहा है बहुत आसान स्ट्रक्चर है बहुत आसान संरचना है कि जटिल यानी कठिन बहुत कठिन संरचना है जटिल संरचना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो मतलब हम लोग समझ गए कि जो प्रोटीन की जो संरचना होती है ना बाबू वो सिंपल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हम ऑन कर लेते हैं तुम लोग का चैट भी पढ़ने के लिए वेट 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 है बाबू जाओ हाँ चलो गुड गुड आप लोग इतने देर तक कंटिन्यू बने हैं बहुत बड़ा बात है बाबू पढ़ाते रहिए वाह चलो ठीक है पढ़ाते हाँ इस बहाना कम से कम तो तुम लोग का घर में नहीं रहा है कम से मेरे साथ भी तो केमिस्ट्री दो घंटा पढ़ लेगा कम एग्जाम तो नहीं तुम लोग हाँ बाबू चलो अगर तुम बताओ तो बाबूरे हम पढ़ रहे हैं तो बताओ तुम लोग को इसका जो संरचना दिख रहा है स्ट्रक्चर बाबू तुमको सिंपल दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स मतलब तुमको एकदम सरल दिख रहा है कि जटिल जटिल बाबू इतना ये जटिल है ना बाबूरे कि इसके संरचना को कभी भी एक स्टेप में नहीं समझा जा सकता है इसलिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इसलिए प्रोटीन की संरचना को बाबू समझने के लिए चार लेवल चार स्टेप की जरूरत होती है याद रखना बाबू इसलिए याद रखना यहाँ ध्यान देना इसलिए याद रखना बाबू रे एक मिनट गौर से देखो हाँ देखो यही था बाबू अब तुम लोग गौर सुना रे देखो ये लिख दिए बाबू बाबूडे आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए अगर आप लोग पढ़ने का कोशिश किए होंगे तो कुछ समझ में आ गया होगा जाओ देखना बाबू हाँ। क्या लिखा है हम्म देखो क्या लिखा है पढ़ो लिखा है बाबू रे की द स्ट्रक्चर ध्यान दो यहाँ लिखा है बाबू रे की द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स बात को तो सच है तो क्या लिखा है बाबूड़े कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स कहता है कि प्रोटीन की संरचना बहुत ही ज्यादा पेचीदा है होता है बहुत ही ज्यादा जटिल होता है बात तो सच है देखा अच्छा सो स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू फोर लेवल कहता है इसीलिए संरचना को चार लेवल में बांट दिया गया है क्योंकि तुम एक बार में कहीं समझ सकता है बाबूड़े चार लेवल क्या क्या बहुत देना पहला का नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर दूसरा का नाम सेकेंडरी स्ट्रक्चर तीसरा का नाम टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथे का नाम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो अगर आपको प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर को बोलेगा बताने के लिए तो आप लोग पहला यही बताना कि प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल होती है उसे ध्यान दो प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल होती है उसे एक स्टेप में नहीं समझा जा सकता है इसीलिए उसे चार में में बांट दिया जाता है श्टुक्ट्र, 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 हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक संरचना द्वितीयक संरचना संरचना तृतीयक और चतुर्थ संरचना ठीक है चार स्ट्रक्चर आप बोलेंगे सर चार में क्यों बांट दिया सर देखो एक इंटरेस्टिंग बात भी अभी बताएंगे ध्यान देना बाबू चार स्ट्रक्चर में बाबू क्यों बांटा थोड़ा सा हम तुम लोग अभी जस्ट बताते ध्यान देखो चार स्ट्रक्चर में क्यों बांटा उसका रीजन देखो रे आप लोग बाबू क्या क्या देखा बोलो मैसेज करो भैया पी एंड डी ब्लॉक का एक क्लास प्लीज भैया सुनना अच्छा तुम लोग को प्रोटीन रीवन की तरह लग रहा था हाँ बर्थडे में सजाते हैं ना रे अच्छा बाबू यहाँ देख रहे हैं सुन यहाँ गौर सुनना देखो चारों क्या क्या बताता है गौर से सुनो

ध्यान दे इट ठीक है मानते हैं बाबूरे कि प्रोटीन अल्फा एसिड से बना है लेकिन कौन कौन सा अल्फा एसिड कैसे कैसे होगा तो वही वही बता रहा है कि जो प्राथमिक संरचना होती है ना वो ये बताता है कि कौन सा अल्फा अल्फाइम एसिड को पहले सेकेंड में किसको थर्ड में किसको फोर्थ में किसको फाइव में किसको लीजिएगा वही कह रहा है कि पहला स्ट्रक्चर बताता है सिक्वेंस को क्रम को क्रम को, को किसके क्रम को अल्फा एमिनो एसिड को क्रम को कि पहले क्या लेना है फिर क्या लेना है फिर क्या लेना है अब बोलेंगे भैया मतलब मतलब है देखो रे अगर तुमको प्रोटीन बनाना है ना तो पहले वैल लेना होगा फिर हिस फिर ल्यू फिर थ्रो फिर प्रो फिर glue, फिर glue, फिर glue, फिर ग्लू ग्लू लिस मतलब अगर बाबू ध्यान दो अगर तुमने अमीनो एसिड का ये क्रम लिया अगर तुमने अमीनो एसिड का ये क्रम लिया तभी बाबू प्रोटीन बनेगा और तुमको और बता देते हैं आप लोग सुनते होंगे बाबू ब्लड कैंसर ब्लड में कुछ खराबी आ जाता है पता है ब्लड में क्या खराबी आ जाता है बाबू ध्यान दो ध्यान दो रहे, दो रहे जिसको भी कैंसर हो जाएगा ना बाबू कैंसर उसका ये देख रहा है ये ग्लू ये जो रहा है ग्लू है उस ग्लू के जगह पे उसका आ जाएगा वैल क्या आ जाएगा बाबू वैल देखो तुम गजब का बात देखा कि अगर क्रम तनी को बदल गया खाली एक जगह ग्लू से अगर वैल हो गया तो बोलो वो कैंसर उसको हो जाएगा बाबू इट स हो सर आप समझ में आया सर तो अभी तक क्या क्या बताया बोलो कि प्रोटीन की संरचना बहुत ही जटिल होती है इसीलिए उसे समझने के लिए उसे हम चार चरणों में चार लेवल में बांट देते हैं प्राथमिक संरचना द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्राथमिक यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर का, का काम है ये बताना कि ठीक है भैया प्राइमरी का स्ट्रक्चर का, का काम ये है बताना कि आप जो प्रोटीन बनाओगे तो प्रोटीन किससे बनाओगे अमीनो एसिड से तो कौन सा अमीनो एसिड पहले कौन सा बाद में लोगे ये बताने का काम है प्राइमरी संरचना का ठीक है अभी क्या बोले कि अगर ग्लू के जगह वैल हो जाएगा इस ग्लू के जगह पे अगर इस ग्लू के जगह पे वैल हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा उसको बताओ बाबू इसका क्रम का बहुत ज्यादा मायने है ठीक है अच्छा आप बोलेंगे चलिए भैया पहला समझ गए कि पहला बताता है कि अमीनो एसिड में क्रम कौन मतलब पहले कौन दूसरा कौन तीसरा कौन चौथा कौन लेना है ये बताता है पहला पहला क्रम बताता है दूसरा बाबू क्या बताता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है सेकेंडरी नॉर्मल संरचना बताता है नॉर्मल अरे मोटा माटी मोटा माटी प्रोटीन कैसा होता है देख रहे तो मोटा माटी तो काम चलने वाला है नहीं लेकिन काम चलाव के लिए लोग बाबूड़े सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी जानता था सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या काम है बाबूड़े मोटा माटी संरचना बनाना जैसे अभी तुम हमको कहेगा भैया तनि आदमी को, को बनाइए तो आप कोई आदमी को, को तो हम तो बाबू जानवे दुनिया का सबसे ज्यादा खराब ड्राइंग बनाने वाला है तो हम की करेंगे पता है देखो हम ऐसे बना देंगे हम ये आदमी बना दिए तो क्या ये आदमी है नहीं बल्कि ये आदमी का मोटा माटी मोटा माटी संरचना है तो वही नॉर्मल सेप बाबू याद रखना इसी उसी तरह से प्रोटीन का भी कुछ ना कुछ एक नॉर्मल सेप होगा मोटा माटी उसी मोटा माटी को बताने का, का काम कौन करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर चलो तो बाबू दोनों का काम समझ में आ गया चार लेवल में दो का समझ में आ गया पहला का काम है क्रम बताना सिक्वेंस बताना दूसरे का काम है मोटा माटी दिखने में कैसा है ये बताना ठीक है तीसरे का काम है थ्री बताना थ्री थ्री डी में कैसा होगा अरे थ्री डी में रे भिजुआ मतलब थ्री डी लेंथ ब्रेथ हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में मतलब कैसा होगा वो बताने का काम करता है टर्सियरी और क्वार्टरनरी का काम है बाबू रे पूरा रे बॉन्ड का प्रकृति बताना जैसे आप समझ ही रहे बाबू रे कि जो वैल हिस ल्यू थ्रो होगा बाबू ये किसी ने किसी बॉन्ड से जुड़ा होगा रे किसी ने किसी बॉन्ड से जुड़ा होगा इसी ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा और इसका प्रकृति इसका नेचर कैसा होगा उसी को बताने का काम करता है बाबूड़े रे क्वार्टर स्ट्रक्चर ठीक है और ये जो बॉन्ड है बाबू इस बॉन्ड को ही बाबू सब यूनिट के भी नाम से जाना जाता है याद रखना ठीक है ये जो बॉन्ड है बाबू बॉन्ड सब यूनिट के नाम से तो क्या समझा जल्दी बोले अभी तक क्या बताए बोलो बोलो <coughs> प्रोटीन की जो संरचना होती है बाबू वो बहुत ज्यादा जटिल होता है उसे हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं समझ सकते उसे समझने के लिए हम लोग को चार अलग अलग लेवल दिया गया है अगर तुम प्राइमरी लेवल समझोगे तो प्राइमरी लेवल तुमको क्रम बता देगा अगर सेकेंडरी देखोगे, देखोगे, देखोगे तो वो मोटा माटी संरचना बताएगा अगर टर्सरी देखोगे बाबू रे टर्सरी देखोगे तो टर्सरी बाबू यानी कि तृतीयक देखोगे तो वो बाबू तुमको थ्री में खाली दिखा देगा और अगर चौथा देखोगे तो वो बॉन्ड्स को लेके समझा देगा बाबूडे तो सारा संरचना की अपनी अपनी काम यही हुआ बाबू प्रोटीन के संरचना का वर्णन अच्छा प्रोटीन की संरचना कैसा है तुम लोग देखिए लिया बाबू प्रोटीन की संरचना बनाना तो दुनिया का सबसे आसान काम नहीं रे बाबू आंख बंद कर लेंगे आंख बंद करके ऐसे से घस देंगे जो बन गया है प्रोटीन कितना <laughs> आसान स्टाइल है हमको लगता है कि अगर ये बनाने दे दिया जाए तुमको तनियो टाइम नहीं लगेगा तो चलिए आप लोग मुझे पहले ये बताइए क्या आपका ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हुआ चलिए बाबू हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड

पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का भैया ऑब्जेक्टिव अरे बाबू हम बोल तो दिए हैं आप लोग इसका मतलब कल का क्लास नहीं किया बाबू सर छुट्टी कब दीजिएगा ये बोल रहा है क्या सर <laughs> <अरे> छुट्टी कब <कव। laughs> अच्छा जा बाबू ध्यान दो रे एक मिनट गौर सुनो तुम लोग भी समझ रहा है कि बाबू हम लॉन्ग क्वेश्चन को, को देखो अरे अभी डेढ़ घंटा के अंतर्गत बाबूड़े हम लोग सिर्फ दो क्वेश्चन को देख पाए क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को इस कदर बता दिए कि उसे शॉर्ट पूछे लॉन्ग पूछे ऑब्जेक्टिव पूछे सब पूछे सब बन जाएगा अरे ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन का आंसर बता के निकल गए ठीक है थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा देखो हो जाएगा आप जल्दी टेंशन हाँ। रुक मुझे पहले इतना बताया ध्यान तो उधर यहाँ गौर सुनना आइए सब बचा को यहां ध्यान दोन ध्यान दो आप लोग अगर बाबू आप लोग को याद है कि कल मैं लाइव आया था सुबह में और लाइव आके हम आपको यह बताए थे कि हमारा कैसे कैसे डेली अब लाइव क्लासेस चलेगी ठीक है तो वो लाइव क्लास जाकर देख लेना उसमें सब पी डी एफ जितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सब हो जाएगा आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो बाबू ध्यान दो ध्यान दीजिएगा अच्छा हाँ क्या लिखा है बाबू यहाँ गौर सुना न्यूक्लिक अम्ल क्या है तथा डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है

तो गौर से सुनना बाबू एक मिनट ध्यान दो इट मींस क्या क्या बोले बोलो न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक न्यूक्लिक वर्ड बना है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मतलब नाभिक नाभिक मतलब कोशिका के बीच वाला को कहते हैं नाभिक और उसी नाभिक में उसी न्यूक्लियस में रहने वाले रहने वाले कार्बनिक यौगिक को कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल

यानी वह जैव अणु विच इज प्रजेंट जो रहता है कहा न्यूक्लियस नाभिक में किसके नाभिक में सेल यानी कोशिका के नाभिक में एंड इज रेस्पिबल फॉर बात सच ध्यान देना देना बाबू और कहता है कि जो अनुबंशिकता के लिए जिम्मेवार होता है अनुबंशिकता का मतलब तुम समझ रहा है बाबू हम लोग को पता है ना बाबूरे हम लोग की जो आंख होती है नाक होती है होठ होता है या कलर होता है वो बाबू हम लोग के पूर्वज पे आता है मतलब हमारे दादाजी का जैसा आंख था वो हमारा आंख आ जाता है नाक पापा वाला आ जाता है जीव मतलब हम लोग के जो शरीर की बाबू जो संरचना है रे जो हमारी शरीर की जो सजावट है बाबू रे बोलो वो वो सारे संरचना को बाबू कहीं ना कहीं हम लोग को कहीं ना कहीं, कहीं अपने पूर्वज से आया उसी उसी है उसी कहते हैं अनुवांशिकता उसी कहते हेरिडिटी तो कहता है कि वो जो आपका पापा वाला आंख जो आपका हो गया आपका दादाजी वाला जो नाक आपका हो गया ये सब लाने वाला कौन है न्यूक्लिक अम्ल कौन है बाबू रे अम्ल तो बताओ न्यूक्लिक अम्ल के बारे में तुम लोग दो बात आराम से बोल सकता है रे देखो यही सब बाबू तुमको हम वो लास्ट फेयरवेल के दिन पढ़ाने वाले थे तुम लोग जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना फेयरवेल मना दिया क्या पढ़ाने आएंगे पढ़ाने आए आएं पता चला यहाँ पे अलगे हाल बाबू करो एक लातो रखे जगह नहीं था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम सोचे चलो चलो कोई दिक्कत नहीं लाइव में देंगे तो चलो। ठीक है यही सब चीज छूटा था प्रोटीन और ये दोनों को डिस्कस कर दिए और हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी था तो एक साथ दो दो फायदा हो गया यहाँ गौर सुनना हाँ यहाँ देख बाबू क्या क्या बताया बाबू बोल 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 जल्दी बोल जल्दी बोल रहे क्या बताया न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड क्या है तो क्या बोलेगा कोशिका के नाभिक में रहने वाला जय बनु कोशिका के नाभिक में रहने वाला कार्बनिक यौगिक को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं और जो अनुबंशिकता के लिए जिम्मेदार होता है मतलब जो हमारे वंश के गुण को ढोने के लिए जिम्मेदार होता है अगर हमारा नाक दादाजी के तरह है तो इसी न्यूक्लिक अम्ल के कारण ठीक है चलो गुड़ेरे आओ यहां देना बाबू अब तुमको बताते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल बना किस किस से है देखो अरे वही लिखा है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ध्यान दो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ध्यान दो यानी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का हिंदी होता है न्यूक्लिक अम्ल का संघटक मतलब न्यूक्लिक अम्ल किससे बना है याद रखना बाबू रे अच्छा चेहरे अब बोलेंगे भैया ये पता कैसे चला कि किससे बना है तो है देखो क्या किया ये पता करने के लिए क्या किया न्यूक्लिक अम्ल को लिया हल्ले के बाबू पानी में पटक दिया मतलब हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन तो जब बाबू न्यूक्लिक अम्ल को पानी में फेंका तो पानी में फेंकने के बाद पता चला पानी में जाने के बाद वो तीन कण में टूट गया पहला का नाम था पेंटोज सुगर दूसरा का नाम था फ़ास्फोरिक एसिड तीसरा का नाम था नाइट्रोजेनस बेस इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजेनस बना होता है क्योंकि जब इसको पानी में फेंके तो यही तीन मिला इट मीन यही तीन जुड़ के वो बना होगा बाबू रे तो चलो ये भी पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड बना किस किस से ठीक कि है ये ऑब्जेक्टिव में बाबू काम आएगा ऑप्शन दे देगा कि न्यूक्लिक एसिड इनमें से किससे बने हैं तो ये तीन में से जो होगा उसी को मारना या तीनों होगा तो सभी को मारना ठीक है चल गुडे अब अगला देखो बाबू अगला अच्छा बाबू मिनट यहाँ ध्यान देना रे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड गजब का बात अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दो यानी न्यूक्लिक एसिड का प्रकार न्यूक्लिक एसिड का प्रकार बाबू रहे तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है वही एक का नाम है डीएनए एक का नाम है आरएनए है देखो रे देखो एक का नाम है डीएनए एक का नाम आरएनए देखो क्यों दोनों में देखो एनएन है

ध्यान दे आप तुम लोग कह सर न्यूक्लिक एसिड सर दो प्रकार का क्यों हो गया क्यों एगो डीएनए क्यों एगो आर एन हो गया तो है देख समझना क्यों हो गया बाबू दो प्रकार का रीजन समझो यहाँ बाबू गौर समझना जो बता रहे आप लोग प्लीज बारीकी से समझने का कोशिश करना तुम ही लोग बताओ बाबू रे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है बाबू रे ये जो न्यूक्लिक एसिड है बाबू बताओ तीन चीज से बना है रे पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड और बाबू रे नाइट्रोजेनस बेस यानी इस तीन चीज से न्यूक्लिक एसिड बना है बाबू रे याद रखना तो डीएनए हो ध्यान दो जो बोल रहे हैं डीएनए हो या आर हो ध्यान दो जो बोल रहे हैं डीएनए हो या आर हो दोनों में बाबू कोई होगा ना बाबू रे तो दोनों में ये दोनों में होगा यानी फॉस्फोरिक एसिड ध्यान दो रे फॉस्फोरिक एसिड दोनों में कॉमन है इसमें भी है इसमें भी है लेकिन बाबू ये जो पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेस जो देख रहे है ना बाबू दोनों में अलग अलग है दोनों में क्या है अलग अलग अब बोलेंगे सर कैसे दोनों में अलग अलग है तो है देखो अब तुमको समझ में आ जाएगा बाबू यहाँ देख यहां देख चलिए देखिए अब डीएनए आरएनए के बारे में मैं थोड़ा देखो लिख भी दिया हूं आप लोगों को है देखना जल्दी देख बाबू डीएनए देखो क्या डीएनएन याद गौर सुनना डीएनए हो या आर एन ए देखो फॉस्फोरिक एसिड देखो दो दोनों में है देखो फॉस्फोरिक एसिड देखो इसमें भी है और फॉस्फोरिक एसिड देखो इसमें भी है इसमें भी है लेकिन देखो परिवर्तन कहा हो गया अच्छा न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल दो तीन चीज से बना था किस किस से पहला था फास्फोरिक एसिड नाइट्रोजेनस तो एसिड बीच वाला दोनों में होगा बदलेगा दोनों में ये पेंटोज सुगर बदल जाएगा पहला डीएनए जो होगा ना उस डीएनए में जो पेंटोज सुगर होगा ना उसका नाम होगा डी क्या नाम होगा डी ये कौन है ना यही है पेंटोज सुगर लेकिन आरएनए में जो पेंटोस शुगर है ना वो राइबोज होगा राइबोज तो बताओ यहां सुनना न्यूक्लिक एसिड तीन चीज से बना था पेंटोस शुगर फॉस्फोरिक एसिड और बाबू फॉस्फोरिक एसिड दोनों में सेम होगा डीएनए एन दोनों में लेकिन ये जो बगल वाला है बाबू बदल जाएगा डीएनए में जो ये पेंटोस शुगर है उसका नाम होगा डी ऑक्सी और आरएनए में जो ये पेंटोस शुगर है पहला वाला उसका नाम होगा राइबोज तो बोल बाबू क्या यहाँ पेंटोस शुगर बदल गया कि नहीं डीएनए में डी ऑक्सी और आरएनए में

पेंटोज uh, जो शुगर रहेगा मतलब आरएनए में रहने वाले पेंटोज शुगर को कहते हैं बाबूरे में रहने वाले पेंटोज शुगर कहते हैं राइबोज क्या बोले पता चला जल्दी जल्दी फास्ट बोलो डीएनए में रहने वाले पेंटोज शुगर को में रहने वाले को राइबोज अच्छा बाबू दोनों सेम रहे अब देखो ये भी बदल गया है देखना कैसे देखना बाबू डीएनए में देखो अरे डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो चार गो होता है और आरएनए एन भी चार गो लेकिन देखना अलग अलग है देखो डीएनए में देखो चार गो कौन कौन है देखो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन लेकिन बाबू तुम आर में देखो रे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तो देखो है देखो ये तीन इसमें भी है रे आ, ये तीन में भी है है लेकिन बोलो बाबू चौथा जो है, वहां देखो यूरासिल आ गया तो अब आपको बाबू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और तुम लोग अब डीएनए आरएनए को लिख भी सकता है बहुत अच्छे से बाबू तो रुको मुझे लेकिन पहले एक बार बता दो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू अभी तक क्या क्या पता चला बोलो चली बोलो अभी तक आप लोग को बाबू क्या क्या पता चला बोलो अभी तक आप लोगों को क्या क्या पता चला बाबू जल्दी फास्ट ध्यान दीजिएगा अभी तक आप लोगों को पता चला कि न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल किसको कहते हैं बाबूडे कोशिका के यानी सेल के कोशिका के नाभिक में यानी सेल के न्यूक्लियस में रहने वाले कार्बनिक यौगिक जैव अनु बायोमोलिक्यूल्स को न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बाबू कौन कौन डीएनए आर एन ए दो प्रकार का क्यों हुआ यह भी पता चल गया क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बना है तीन चीज से पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड और बाबू नाइट्रोजेनस बेस लेकिन बाबू हम लोग को पता चला कि डीएनए हो या आर एन ए उसमें फॉस्फोरिक एसिड तो सेम है बस बगल बदल गया ना रे डीएनए में डी ऑक्सीबोज

रे चलो देखो हम इसलिए बाबू देख रहे हैं तुम लोग खुद सोच रहा होगा भैया एक एक चीज को बाबू हम लोग टच कर रहे हैं ध्यान दो रहे। यहां तक हो गया बाबू रे अगला देखो क्या लिखा है हाँ रे चलो चलो हल्का बता देते सब जरूरी नहीं था लेकिन मैं कहता साइड नॉलेज कुछ कुछ जवाब जान लो रे है देखो जब डीएनए आ लेने पढ़ेगा ना किताब में न्यूक्लियो साइड और न्यूक्लियो टाइड बहुत लिखा रहता है डरना मत अभी तुम लोग क्या देखा था बोलो बाबू रे कि न्यूक्लिक एसिड तीन चीज से बना है बाबू रे कौन कौन पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजेनस बेस तो सुनना न्यूक्लियोटाइड टाइड टाइड मतलब टाइड में टी है ना टी मतलब थ्री टी मतलब थ्री मतलब वो जब तीनों को एक साथ न, तीनों के मिले हुए रूप को तीनों के मिले हुए रूप को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और तीनों में से अगर तुम तीनों में से अगर तुम बाबू ने फॉस्फोरिक एसिड को हटा देगा तो बोल बाबू क्यों क्योंकि दोनों में कॉमन है अगर इसको हटा देगा तो बोल दो बचेगा रे तब तो इस दोनों को बाबू न्यूक्लियोसाइड कहते हैं मतलब वो आप समझ में आया न्यूक्लिक एसिड तीन चीज से बना है तीनों को मिले हुए रूप को न्यूक्लियोटाइड तीन थ्री तो थ्री से टाइड मतलब कि तीनों के मिले हुए रूप को न्यूक्लियोटाइड और दो को बाबू न्यूक्लियोटाइड तो ध्यान वही लिखे हुए यहां पढ़ लो एक बार है देखो न्यूक्लियोसाइड साइड कहते हैं है देखो पेंटोज सुगर और नाइट्रोजेनस बेस बोलो दू यानी न्यूक्लियोसाइड में दो चीज के समूह को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं इसमें देखो सुगर, नाइट्रोजेनस बेस और एसिड में तीन बाबूडे इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं मतलब वो तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड दो को मिला के न्यूक्लियोसाइड दो को टारगेट इसलिए किया क्योंकि डीएनए आरएनए दो के वजह से बनता है एक के वजह से नहीं तो क्या आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा है पहले मुझे इतना बताओ यहां तक अगर बाबू आपको समझ में आ गया होगा तब जाकर बाबू अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है देखो अरे डीएनए और आर में क्या अंतर है बाबू यही है रे यही बाबुड़ी? एक तरफ डीएनए लिखा है और एक तरफ आर ध्यान देना आप लोग बाबू इधर देख रहे हो ये वाला डीएनए के बारे में लिखा हुआ है और ये वाला के बारे में तुम देखना ना तुमको सारा बात याद हो गया डरना ही नहीं है लेकिन पूछे पहले अरे पहले आप लोग मुझे इतना बताया कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया जल्दी बाबू फास्ट क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया बाबू यहां पांडे भैया इंग्लिश में समझाइए प्लीज अच्छा लाइव आते रहे भैया मजा आ रहा है ना ठीक है बाबू नेहा बाबू रुकिए मैं जरूर बताता हूँ ठीक है आइए गौर सुनना देखो तो नेहा आ, सारा बाबू इंग्लिश में ही लिखा हुआ है ठीक है एक्चुअली में आप समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड में बच्चे जो होते हैं ज्यादा हिंदी मीडियम के ज्यादा बच्चे होते हैं इसलिए बाबू थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैं देखो मैं मेनली जो कंटेंट है बाबू सारा इंग्लिश में लिखा हूँ मैं इंग्लिश पढ़ के तभी मैं हिंदी बताता हूँ ठीक है बाबू गौर सुनिएगा हाँ देखो डीएनए और आर में क्या अंतर है अभी तुम ही लोग बोलेगा, जल्दी बोलो पहला अंतर तुम लोग देख लिया। कि में जो होता है ना डीएनए में पेंटोज सुगर जो होता है वो डी जबकि आर में राइबोज है है कि नहीं बाबू तो है तो वही लिख दिए हैं क्या कि डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है बस दोनों में अंतर क्या है इन विच मतलब जिसमें डीएनए में क्या होता है डी होता है कौन पेंटोसुगर. इसमें जो शुगर होता है उसका नाम क्या है डी और उसमें जो पेंटोसुगर है उसका क्या नाम बाबू राइबोज पहला अंतर समझ में आ गया इतना लंबा नहीं लिखना थी भी लिख सकता है बाबू की डीएनए में डी होते हैं और आर में राइबोज होते हैं या अच्छा से लिखना है तो ऐसे लिखना बाबू की डी ऑक्सी रायोज पेंटोसुगर होते हैं उसमें लिखना वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें बाबू रायबोज पेंटोसुगर होते हैं पहला पॉइंट समझ में आया डीएनए में कौन होता है डी ऑक्सी रायबोज आरएनए में कौन होता है राइबोज ठीक है डी ऑक्सी में अरे डीएनए में डी ऑक्सी रायबोज

हाँ थो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने बाद हम लोग का क्लियर हो जाता है बाबू आइए यहाँ बाबू गौर समझने का कोशिश करना है देखो कहा है हाँ आप लोग बाबू इस स्ट्रक्चर को देखो थोड़ा सा <coughs> बाबू यहाँ देखो यहाँ डीएनए और आरएनए का मैं स्ट्रक्चर खोल दिया हूँ आप लोग बाबू डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए तो बाबू जल्दी

दूसरा पॉइंट पता चला कि भैया डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं अरे दो लाइन अभी जस्ट देखा और आरएनए में सिंगल हेलिक्स होते हैं तो देखो क्या लिखा इट्स स्ट्रक्चर इज इसमें बाबू रे इसमें बाबू रे देखो ये ऐसा होता है ना इसमें डबल हेलिक्स होता है डबल हेलिक्स इसमें बाबू रे सिंगल होता है देखो सिंगल लिख दिए सिंगल होता है ठीक है यानी इसकी संरचना बाबू रे सिंगल यानी एकल होता है बाबू उसका बाबू रे दुई होता है दुई इंग्लिश में लिखना उसका सिंगल इसका डबल ठीक है अगला देखो बाबू अच्छा अभी तुम लोग एक और गौर से देखा था कि डीएनए में जहां पे थाइमिन था याद करो आरएनए में वहां पे बाबू ध्यान दो आरएनए में वहां पे यूरासिल था था कि नहीं यहाँ गौर सुनना थोड़ा तो तो सा बाबू पीछे था देखो तब समझ में आएगा है देखो रुकिए आप लोग बाबू यहाँ गौर सुनना डीएनए आर एन था अंतर चलिए हाँ यहाँ देखे बाबू आप लोग गौर से देखिएगा डीएनए में देखो डीएनए देखो

अरे क्रोमोजोम में पाया जाता है क्रोमोजोम में और बाबू ध्यान दो रहे और जो आर होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है साइटोप्लाज्म में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उसे अच्छा से क्रोमोजोम अरे वही रे गुणसूत्र नहीं रे हिंदी में गुणसूत्र यानी जो अरे वह रस्सी से वो भी रस्सी टाइप का होता है बाबू ध्यान दो गुणसूत्र यानी बाबू ध्यान ना रहे की जो डीएनए होते हैं ना वो बाबू क्रोमोजोम में पाए जाते हैं और जो आर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं कहाँ पे साइटोप्लाज्म में, ओके याद रखना रे दूसरा बात अबू लिखा है उसका लास्ट बाबूर है कि जो डीएनए होते हैं ना वो जेनेटिक मटेरियल होता है जेनेटिक मतलब वही बा, अरे वंश अरे जो तुम्हारे जो मतलब दादाजी के जो गुण को तुम्हारे में लाया तो लाने वाला को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं उस न्यूक्लिक में भी डीएनए ही बाबू लाता है याद रखना मतलब डीएनए जो जेनेटिक मेटेरियल होता है वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को भेजने वाला मतलब डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल वही है जिसकी वजह तो से गुण एक दूसरे से दूसरे पीढ़ी में जाता है ठीक है जबकि बाबू कहता है आर इट इज नॉट अ जेनेटिक मेटेरियल यह यह बाबू अनुवांशिक कण नहीं होता है यह अनुवांशिक कण नहीं होता है तो चलो तो डीएनए आर एन ए बाबू ध्यान अगर आपको डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या क्या बोलोगे जल्दी बोलो तो बाबू क्या कह रहे पांच पॉइंट तो एकदम तो अच्छा से याद हो गया होगा भैया डीएनए में डी ऑक्सी रायोज होते हैं राइबोज होते हैं डीएनए भैया डबल हेलिक्स होता है आरएनए भैया सिंगल हेलिक्स होता है डीएनए में भैया थाइमिन होता है आरएनए में भैया यूरासिल होता है डीएनए में भैया ध्यान दो रे डीएनए जो होते हैं बाबू रे डीएनए क्रोमोजोम में पाए जाते हैं बाबू रे

जल्दी जल्दी हाँ जी तुम लोग देखो आपस में बच्चा आधा से बच्चा यही चीज में लड़ रहा है हिंदी में लिखाइए इंग्लिश में लिखाइए अरे बाबू पहले पढ़ तो लो जल्दी बाबू फास्ट जल्दी बोलना क्या आप लोग लिख लोगे जल्दी बोलो फास्ट मैसेज करो क्या आप लोग डीएनए और आर में अंतर लिख लोगे हाँ या नहीं जल्दी क्या डीएनए आर में अंतर आप लोग लिख पाओगे तभी हम आगे बढ़ते हैं लास्ट हो गया खत्म भाग जल्दी क्या डीएनए एन आर में अंतर लिख लोगे अच्छा शाहनुज ध्यान दो रे अच्छा अच्छा यहाँ देख रहे बाबू रे हाँ एक मिनट बहुत अच्छे से हाँ भैया हाँ अच्छे से चलो गुड यहाँ देख रे यहाँ एक और सुना बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चों का एक कुछ अच्छा लग रहा था हमको कुछ आ रहा था कि कुछ लिखा था हाँ कि मतलब इनका खोज भैया डीएनए का खोज उसके बारे में देखो पहले तुम तो बात जान ही रहा है कि थोड़ा सा हमारी बायोलॉजी थोड़ी कमजोर है ठीक है इसके लिए सॉरी बाबू मुझे जितना पता था मैं जितना हद तक हो सका मैं आपको बता दिया ठीक है अब खोज उसके बारे में हमको इतने सही पता था और समझ रहे हैं कि थोड़ा सा ये बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक बाबू इसलिए ठीक है आइए छोड़िए कोई बात नहीं है आप जाने बाबू बहुत अच्छा और आपके से हमको भी पता चला धन्यवाद आइए लास्ट क्वेश्चन बाबू आज के क्लास का ध्यान दो जल्दी फास्ट लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बाबू देख रे अंत भला तो सब भला जल्दी बाबू या आप पढ़ाएं लिख नहीं पाए ऐसा हो सकता है क्या बास्ती बाबू वाह आओ तुम लोग तो मतलब ऐसा ऐसा मैसेज लिखता है नहीं मतलब दे आई गुड और लास्ट क्वेश्चन को भी देख के जाना देखा इतना देर अगर वेट किया तो लास्ट क्वेश्चन बार देख के जाओ ठीक है हो गया आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो चार लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग को जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये चार क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होगा ठीक है कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉमिन कौन सा वो नॉमिन नहीं पढ़ेंगे जो जो बिहार बोर्ड आज तक पूछा है जो जो क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को लेके आएंगे और जो पूछ सकता है उन सारे नोवेन क्लेचर को कल लेके आएंगे तो कल नाम लिखने सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे ठीक है फिर परसू रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जितना रिएक्शन पूछता है ऐसे करके तीन चार दिन ऑर्गेनिक में भयानक कमांड बन जाएगा जब तब तब जाके तुम जब क्वेश्चन पेपर बैंक देखेगा तब हो भैया सब बन जाएगा भैया कोई टेंशन नहीं है ठीक है जो भी डर है ना ऑर्गेनिक में ज्यादा डर लगता है बच्चे को केमिस्ट्री में वो डर ही को पिछले हम पहले ऑर्गेनिक ही पढ़ा रहे हैं यहाँ देख बाबा बुढ़े पहला लिखा है बाबू बहुलकन क्या है और अंतरा आणविक बल तथा बहुलकन की प्रक्रिया बहु के आधार पर बहुलक को वर्गीकृत करें ध्यान दो व्हाट इज वोलिमेराइजेशन एंड क्लासिफाइड द पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड अरे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन डरना मतलब आराम सुनो देखो तुरंत हो जाएगा ये बस पांच मिनट का मुझे समय दो मैं तुरंत खत्म कर देता हूँ रुकिए क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया मैं जान रहा हूं आप लोग को बहुत ज्यादा भूख भी भूख लग गया होगा ना रे यहाँ सुन बाबू आइए इतना देर बाबू देखे भैया मैं पटना से हूँ वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूँ गौर, गौर सुनना बाबू एक मिनट आप लोग बाबू एक चीज ध्यान थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश करना क्या बता रहे थे तुम लोगों को हाँ बहुलकन क्या है याद करो हम बताए थे तुमको क्या याद करो कि हम आपको बताए थे बहुलखन के बारे में ध्यान देना यहां गौर सुन रहे कि जब तुम ध्यान दो जब तुम बाबुड़े जब तुम छोटे कन को ध्यान दो जब तुम छोटे कन को जोड़ के जोड़ के बड़ा बना देता है, है देखो अरे अरे ऐसे समझो अरे देखा है लड्डू लड्डू को बनाने के लिए क्या पहले डायरेक्ट लड्डू ही बनाता है न पहले बुनिया बनाता है बुनिया देखा होगा बाबुड़े लड्डू के बारे में तुम लोग देखा होगा जरूर पीला दिखेगा तुम लोग को नहीं पीला नहीं दिखेगा ना इतना ब्राइटनेस है कि करेगा लेते हाँ। अब करो लड्डू को बनाने के लिए देखा होगा की पहले बुनिया बनाया जाता है पहले बुनिया नहीं रे पहले बुनिया बनाया जाता है अब फिर देखता होगा उस बुनिया को बाबू सारा बुनिया को जोड़ के बाबू लड्डू बनाया जाता है रे तो सुनिए बोलो ये सब क्या है छोटा कन बाबू रे और याद करो क्लास में हम तुमको बताए थे छोटे कन को मोनोमर कहा जाता है क्या होता है मोनो मोनो मतलब एक अमर मतलब कन इक, एक ये छोटा सा कन है बाबू छोटा सा मोनोमर यानी बड़का बन गया इसको कहते हैं पॉलीमर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉलीमर और यही बनाने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमेराइजेशन क्या बोलते हैं बाबूरे पॉलीमेराइजेशन यानी हिंदी में बहुलकन ध्यान दो इसको कहते हैं एक ध्यान दो इसको कहते हैं एक इसको कहते हैं बहुलक ध्यान दो आई जो बाबू बनाने के जो प्रक्रिया इसको कहते हैं बहुलकन क्या बोलते हैं बाबू रे बहुलकन बहुल अब कहे सर केमिस्ट्री में इसका सर क्या काम है आपको याद करो हम बताए थे कि बाबू तुम इथिन ले लो क्या ले लो इथिन और इथिन 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 बहुत सारा इथिन को बाबू जोड़ दो तो बहुत सारा इथिन कैसे जोड़ेंगे उड़ेंगे सब पढ़ाए ना बाबू अगर तुमने बहुत सारा इथिन इथिन मतलब इथ मतलब

बोल बाबू रे गौर सुनना ध्यान दो इट मीनस बाबू रे तुमने लिया इथिन और इथिन के बहुत सारे छोटे कण को बाबू जोड़ा तो बन गया पॉलिथिन बोलो यही इथिन जो है बाबू यही है एक कण। इसको कहेंगे मोनोमर आई जो बाबू रे पॉलीथिन बना इसे कहेंगे पॉलीमर बहुत ध्यान वही एक लक बहुलक और ये बाबू इथिन से जो तुम पॉलीथीन बनाया इसी कहेंगे पॉलीमेराइजेशन यानी इसी कहेंगे बाबू रे बहुलकन तो हमको लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि बहुलकन किसको यानी कि पॉलीमेराइजेशन किसको कहते हैं फिर से बताओ बाबूरे क्या बोलेंगे बोले बोले रे परिभाषा कोशिश करो बाबू बताने का क्या क्या बहुलकन क्या है बाबू रे बहुलकन क्या है एक प्रक्रिया है ना रे वह प्रक्रिया जिसमें छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े बनते हैं ध्यान तो बड़े बनते हैं उसे बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को बाबूड़े बहुलकन कहते हैं इंग्लिश बाबूढ़े द प्रोसेस इन विच क्या बाबू

बहुलकन कहते हैं ठीक है ठीके? तो आप लोगों को हम मेरा एकदम पूरा आशा है कि बहुलकन का मतलब समझ में आ गया एक लाइन में बोलना सिंपल क्या हेर ध्यान दो वह प्रक्रिया जिसमें छोटे-छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े बनते हैं उसे बहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को बहुलकन कहते हैं ठीक है ठीके? जो बड़ा बना उसको बहुलक प्रक्रिया को बहुलकन ठीक है अब सुनना बाबूरे एक मिनट अच्छा इंग्लिश में बाबूरे क्या द प्रोसेस इन व्हिच

एंड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब वो बार बांटने बोल रहा है पहले कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतरा आणविक बल के आधार पर और फिर कह रहा है कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब बहुलक कैसे बनता है उसके आधार पर याद करो बाबू ध्यान दो मिनट रुक जाओ पहले अभी तुमको हम क्या बोले बाबू ध्यान दो कि तुमको अगर बहुलक बनाना है बाबू यानी कि पॉलीमर बनाना है तो तुमको क्या बोलो एक लख लेना पड़ता है और वही एक लख एक यानी मोनोमर लेना पड़ता है वही एक लख एक लख बहुत बार लेता है बहुलक यानी वही मोनोमर लेते हैं बन जाता है पॉलीमर तो सुनना है गौर से तो बोलो बाबू यानी कि पॉलीमर को बनाने के लिए हम लोग मोनोमर लेते हैं और उस सारे मोनोमर को बोलो बाबू जोड़ते हैं कि नहीं रे तो जब हम सारे मोनोमर को जोड़ते हैं याद रखना जब हम लोग सारे मोनोमर को जोड़ते हैं बाबू रे तो जिस जोड़ते हैं तो बोलो जोड़ते होंगे किससे फोर्स से अरे बॉन्ड से जोड़ते होंगे बॉन्ड से जोड़ते होंगे तो करा इसी बॉन्ड के आधार पर तो आपको हम पढ़ाएं तो याद करो बॉन्ड के आधार पर बाबू बहुलक यानी कि पॉलीमर चार प्रकार का था याद है क्या क्या पढ़ाए थे याद करो बाबूड़े क्या क्या चार प्रकार का बताए थे याद होगा आप लोग दिमाग लगाइए आप लोग को बाबू चार प्रकार हम पढ़ा चुके हैं फाइबर थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक याद आ रहा बाबूड़े बाबू यहाँ गौर सुनना इट मींस बाबू देखो अरे कौन कौन बताया बाबू यहाँ रुकीये मैं आप लोग को दिखा भी देता हूं जिससे और भी तुमको क्लियर हो जाएगा बाबू पॉलीमर हाँ एक मिनट पॉलीमर 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 चलो जा जल्दी जल्दी अरे हाँ यहाँ कौन सा नवरे है आई वो ये यही बावरे यही बाहुल्ला के बारे में आता है ना बाबुड़े यही क्या तो कहीं हुआ है एक वो पीस बाबुड़े यही सारा पीस को सजा दिन इन बोल बड़ा बन गया बाबुड़े

के आधार पे आया ना अभी तक जल्दी जल्दी बाबू लिखा भी होगा हेडलाइन है देखो बाबू जो चुकी हम लोग को देखो है रे, हम लोग करो बहुलक को बहुत आधार पे बांटे थे याद करो जल्दी अरे हम लोगों ने बहुलक को बहुत सारे आधार पर बांटे थे ध्यान देना जो बोल रहे हैं हम लोग एक मिनट

मतलब कहने का मतलब इलास्टोमर से ज्यादा होता है और फाइबर से कमजोर कम होता है बाबू मिनट और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में बाबू बताए थे रे कि ये तो फोर्स का ध्यान बाबू रे थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में ये बताए थे कि उसका शुरू में फोर्स कमजोर होता है लेकिन अगर वो एक बार जुड़ जाए तो सबसे मजबूत हो जाता है कनेक्ट मतलब वो मतलब आप समझ में आ आज बोले रहे बोलो इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतरा आणविक बल के आधार पर वो बहुलक यानी पॉलीमर कितने प्रकार का चार कौन कौन सा बुढ़े इलास्टोमर फाइबर थर्मो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर थर्मोसेटिंग पॉलीमर इसमें क्या क्या जाने, बोल, बोल, अभी क्या -क्या जाने कि इलास्टोमर जो है बाबू थर्मोप्लास्टिक में ना तो कमजोर ना तो मजबूत बाबू क्या मतलब इलास्टोमर से ज्यादा लेकिन फाइबर से कम लेकिन बाबू थर्मोसेटिंग का कुछ और बात है थर्मोसेटिंग सेटिंग मतलब जब वो सेट हो जाता है तो बहुत मजबूत लेकिन सेट से पहले कमजोर मतलब उसमें दोनों गुण है कमजोर हो तो बहुत कमजोर मजबूत हो तो बहुत मजबूत लेकिन कंडीशन है सेट होने के बाद बहुत मजबूत नहीं तो बहुत कमजोर आइए अच्छा बाबू और इसके बारे में हम आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से ही बाबू बताए थे रे ध्यान रहे गौर सुनना आप लोगों को बहुत डिटेल्स में बताए थे लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये क्लास चल रहा बाबू रे बस मोस्ट बीबी लॉन्ग क्वेश्चन के तरफ बाबू तो हम लोगों को थोड़ा सा मतलब ये चीज को देखना होता है कि कहीं ज्यादा बताने के चक्कर में मेन पॉइंट आपको समझना है तो दिक्कत हो जाएगा आई बाबू अरे आप लोग बेसिक बस याद नहीं रखना बाबू इलास्टोमर देखो यहाँ लिखा है ये बाबू ये है, उसका एग्जाम्पल याद रखना इलास्टोमर का एग्जाम्पल देखो कौन कौन है बाबू नेचुरल रबर नियोप्रिन क्लोरोप्रिन नेचुरल रबर नियोप्रीन क्लोरोप्रीन जो बच्चे क्लास किए हैं उसको बाबू पहले से पता है ध्यान दो रे जो बच्चे क्लास किए उसको पता है कि सर आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ा के लिखवा सब चुके हैं लेकिन चलिए एक मोटा माटी बात भी कम से कम बोल देते हैं बाबूरे आइए उसके बाद बाबू देखो रे हल्का हल्का जान लो फाइबर देखो रे फाइबर अब आ रे तो फाइबर में भी जस्टे बोले बाबू इसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होता है तो बताई दिए और इसका एग्जाम्पल बाबू रहे नाइलॉन सिक्स सिक्स और बाबू रहे पॉलिस्टर नाइलॉन सिक्स सिक्स पॉलिस्टर नाइलॉन सिक्स सिक्स पॉलिस्टर ठीक है स्क्रीन शॉट बाबू लेना चाहता था, था आप लोग ले लीजिए जल्दी ली फास्ट हम जान रहे थे कि इसको पढ़ के कुछ कुछ बात तो याद आ जाएगा आप लोगों को क्लास का ठीक है आइए बाबू रे उसके बाद बाबू ध्यान देना रे उसके बाद बाबू देखो रे। उसके बाद है थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर रे तो थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर के बारे में भी जस्ट बोले रहे इसका जो बाबू फोर्स होता है रे देखो रे, क्या लिखा है वो ग्रेटर देन इलास्टोमर बट लेस देन फाइबर मतलब वो ज्यादा कम दोनों के बीच में होता है रे अच्छा इसका एग्जाम्पल बाबू कौन कौन है रे इसका एग्जाम्पल बाबू है यहाँ इसका एग्जाम्पल है टेफलॉन ध्यान दो रे इसका एग्जाम्पल भी बाबू देख लो रे हाँ आप लोग थर्मो देख रहे थे थर्मो प्लास्टिक मिनट देखिए हल्का सा खोल हाँ यहाँ देख रे ये हमारा बाबू था थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर रे उसका एग्जाम्पल देख लो बाबू लिखा है पॉली, पॉली इथिन अच्छा उसके बावजूद भी अगर बाबू कोई चाहते हैं कि इस पूरे भैया क्लास को डिटेल्स में जानने के लिए बाबू थोड़ा सा कॉपी आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है या अगर आप चाहते हैं इसको और डिटेल्स तो बताइएगा जरूर मैं इसके भी चर्चा करूंगा अरे आओ गुड बाबू ध्यान देना रे उसके बाद देखना बाबू रे उस बाद थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग थर्मो बाबूड़े यहाँ पर एग्जाम्पल देखो कौन कौन है इसका एग्जाम्पल कौन कौन है ध्यान समझना इसका एग्जाम्पल है बाबू देखो थर्मोसेटिंग पॉलिमर इसका एग्जाम्पल है बाबू बैकेलाइट फॉर्मल डीहाइड बैकेलाइट फॉर्मल डीहाइट ध्यान दो बैकेलाइट फॉर्मल डीहाइड यूरिया फॉर्मल डीहाइडाम यहाँ को और सुना रे

बहुलक कहते हैं एक कण को मोनोमर बरका कण को पॉलीमर इथीन से पॉलीथीन स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन ना बाबू क्लोरोप्रिन से पॉलीक्लोरोप्रिन ये सब बाबू क्या है रे पॉलीमर का एग्जाम्पल है

प्लास्टिक में क्या क्या बताया बोलो थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन था बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक में कौन था ध्यान दो थर्मोप्लास्टिक में था हाँ, टेफलॉन पीवीसी ठीक है उसके बाद इसका बाबू लास्ट वाला का, का कौन है बाबू लास्ट वाला का भी देख लिए बैकेलाइट यूरिया फॉर्मल डिजाइन वेला ठीक है इसको मेन याद रखना है बाबू ठीक है अब ध्यान सुनिए अच्छा एक बात बताया बाबू और एक बात बोला था क्या कि आप लोग कह रहा था फिर उसके बाद कि मोड ऑफ पॉलिमेलाइजेशन यानी कि बहुलक के प्रकृति के आधार पर बाबू बहुलक को बांटे याद करो बाबू दो प्रकार का था अब बाबू बाबू हो गया खत्म चलिए ध्यान देना बाबू क्योंकि देखो तो हम कुछ भी चीज को छोड़े नहीं हम जान तो देते बाबू ध्यान दे रहे कि कम से कम जो भी पढ़ते कम से कम अच्छे से पढ़ के खत्म कर लेते हैं जाएगा उसी खोल लेते स्लाइड को ही फास्ट चलिए बहुत देर हमको भी बोलना पड़ा कोई दिक्कत नहीं है आइए चलिए हाँ रे हाँ। आओ देखो लास्ट भी बाबू देखिए देखो क्या क्वेश्चन लास्ट नहीं है उसी का एक छोटा सा पार्ट बच गया था बाबू रे देखो क्या लिखा है रे कि एंड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी हिंदी देखो अरे बहुलक को बांटना बाबू देखो क्या लिखा है बहुलकन की प्रक्रिया के आधार पर एगो तो बल के आधार पर बांट एक और बोल दिया है रे याद करो हम तुमको लोग को क्लास में क्या बताए थे अगर याद होगा तो याद करो बाबू रे बहुलक को बनाने यानी बहुलक को बनाने की बाबू हम लोग के पास दो विधि थी याद है क्या क्या बाबू रे डायरेक्ट जोड़ने का विधि था या एक विधि था कि पहले पानी निकालो तब जोड़ो याद करो जिसमें डायरेक्ट जोड़ना था उसको एडिशन बोले थे एडिशन पॉलीमर याद रखना उसको क्या बोले थे एडिशन पॉलीमर हिंदी में योगात्मक बहुलक योगात्मक बहुलक और बाबू ऐसा बताए थे जिसमें पहले पानी निकलता था तब जोड़ते थे पानी निकलता था तब जोड़ते थे तो उसको कहते थे कंडेंसेशन पॉलीमर क्या बोलते थे बाबू पॉलीमर यानी संघनित बहुलक तो बोलो अरे बोलो यानी बहुलक की प्रक्रिया के आधार पर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर बहुलक कितने प्रकार का हुआ दो को अगर तुम डायरेक्ट लेके जोड़ दिया तो कहना एडिशन यानी योगात्मक बहुलक अगर बाबू तुमने पानी निकालने के बाद जोड़ा तो उसको कहना बाबू कंडन यानी कि संघनित तो परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं एडिशन पॉलीमर का क्या बाबू वैसा बहुलक जाना है जिसमें दो या दो से अधिक मोनोमर आपस में जुड़कर बड़े बहुलक का निर्माण करते हैं डायरेक्ट जुड़कर अगर हम लोग को संघनित यानी कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में बोलेगा तो हम लोग कहेंगे वैसा बहुलक यानी वैसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर दो या दो से अधिक मोनोमर आपस में जुड़ते हैं लेकिन जुड़ने से पहले बाबूड़े जल का उसमें बाबूड़े जल का निकलना अनिवार्य होता है मतलब जल निकल के जुड़ा ध्यान दो डायरेक्ट जुड़ा तो बाबू एडिशन यानी योगात्मक जल निकलने के बाद जुड़ा याद करो बाबुड़े हम आप लोग को बताए थे क्या संगनित यानी कि कंडेंसेशन ठीक है याद रखना बाबू इतना ही बाबू ये चार क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कर पाए लेकिन हाँ चारों क्वेश्चन को बहुत डिटेल्स में बाबू हम लोग कंप्लीट किए ध्यान देना एक मिनट हा अरसलान ध्यान बाबू सुपर चैट थैंक यू बाबू अर्सन ध्यान गौर सुना बाबू आइए लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं आप लोग के पास तो समझ रहे हैं आप लोग के पास खुद बाबू पैसा की बहुत कमी होती है इसलिए तुम लोग का सपोर्ट बाबू बहुत बड़ा है जिससे कि सौरभ भैया को कोई पैसा की कमी नहीं है इसलिए आप लोग चलिए ठीक है आपको प्यार था तो आप दे दिए कोई दुख की बात नहीं लेकिन कोई जरूरी नहीं है बाबू ध्यान दो यहाँ गौर सुना रहे कभी कहता है ना बच्चा बहुत ज्यादा खुशी में कुछ ऐसा काम कर देता है आइए हे बाबू चलो हाँ हमारा क्लास तो खत्म हो गया बाबू ध्यान दो आप क्या बोले बाबू कल के बारे में कल के बारे में क्या बताएं बता बता बोलो जल्दी फास्ट कल के बारे में क्या बताएं ध्यान दो सुन के चल जाओ कल के बारे में अभी तुमको हम बताए हैं कि कल जो है हम लोग बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट कल फिर से पढ़ेंगे क्लेचर, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आप लोग सभी बच्चों ने खास करके अभी लास्ट तक भी आप लोग इतने इतने बच्चे जुड़े हुए हैं इतने लंबा क्लास में बाबू उसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने लंबे टाइम को हमारे साथ व्यतीत किया थैंक यू सो मच आप सभी मेरे प्यारे भाई को और बहनों को ठीक है और आप लोग बिल्कुल थके नहीं मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ जब इतना देर पढ़ा है तो थोड़ा सा हंस के जाओ ध्यान दो बाबू क्योंकि पढ़ाई तो हम लोग को करना ही है क्योंकि एग्जाम हमें देना है और हमें अपने लाइफ में कुछ अच्छे करना है ठीक है आइए हम लोग बाबू कल मिलेंगे नॉमिन क्लेचर के साथ याद रखना नॉमिन क्लेचर के साथ हम लोग कल मिलेंगे और स्ट्रक्चर के साथ मतलब कैसे चित्र बनाया जाता है कैसे नाम लिखा जाता है क्योंकि आपको पता होगा हर बार बिहार बोर्ड करीब करीब इससे भी पांच सात मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं कल शाम छह बजे अः आप लोग फिर से वही एनर्जी के साथ आप लोग मिलिएगा अब आप लोग जाइए बहुत देर से इतने देर से अः आप लोग और भी बहुत सारी कामें होगी और सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा सारे सब्जेक्ट को बाबू मन से पढ़ना ठीक है और अगर कुछ बोलना है कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं जल्दी तो अब मेरा अलविदा लेने का समय आया बाबू भैया मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया थैंक यू अगर किसी को बाबू कुछ बोलना है बोलो भैया एक क्लास पीरियडिक टेबल पढ़ दीजिएगा जरूर जरूर जल्दी हाँ। बाबू जल्दी भाई सब लाइक करो वीडियो खत्म होने वाली है अच्छा कृष्णा तो शुरू से लाइक ही करवाने लग गया कृष्णा चलो कृष्णा थैंक यू बाबू चलो बहुत अच्छा आओ अच्छा कृता भैया एक सायरी होनी चाह रही हमको शायरी तो बहुत मतलब शायरी हमको पते ही नहीं है तुम्हें सायरी बताता है यार यहाँ पर सुन रहे कन्वर्सेशन और वर्ट है हाँ बाबू अति विकास ध्यान दो आप इसका मतलब कल का वीडियो नहीं देखे कल बाबू मैं सब बता दिया हूँ कि कब बाबू कन्वर्सेशन चलेगा कब बाबू व्हाट हैपेंस चलेगा सारा बाबू एक बार हम बता दिए ठीक है हमको तो सारी याद है कल से पक्का एक सारी याद करके आएंगे ठीक है तुम लोग का चूंकि बहुत ज्यादा शायरी पर डिमांड रहता है भैया पूरा समझ में आ गया थैंक यू बाबू ओके चलिए ठीक है आइए बाबू तो हम लोग मिलते हैं कल नोम क्लेचर के साथ ठीक है और हाँ एक बात और बाबू ध्यान देना रहे आ, क्या कि हमारी आ, क्लास ट्वेल्व की आ, न्यू बैच जो है बाबू रे स्टार्ट हो गया है 2024 वाला क्लास ट्वेल्थ की न्यू बैच दो के लिए जो आपके छोटे भाई लोग जो अगले साल एग्जाम देंगे उसका हो स्टार्ट हो गया है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो गया है बाबू रे आप लोग सभी बच्चे से मेरा एक रिक्वेस्ट है अः बैच की जो टाइमिंग है वो सात से आठ है आठ से नौ है नौ से दस है और दस से ग्यारह है और ये जो दस से ग्यारह है इसमें ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ते हैं और इसी टाइम में बाबू ऑनलाइन भी चलता है आप लोग सभी से मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे आप लोगों ने इतना तगड़ा प्यार दिखाया बाबू ने की दो दिन के अंदर जो मतलब खाली ये बैच चूंकि कल ही खोले थे उसके अलावा सात से आठ नौ से दस और दस से ग्यारह में जो बच्चे इलेवेंथ के देख रहे होंगे उनको पता होगा इस तीन बैच में बाबू लात भी रखने का जगह नहीं है आप लोगों का प्यार ही तो ये है आठ से नौ में मुश्किल से वही आठ दस सीट बचा है जो सत लगता है कल खत्म हो जाएगा बाबू तो थोड़ा सा तुम लोग का जो इतना जो ज्यादा तगड़ा जो सपोर्ट दिखाया इसके लिए मैं उसको फिर से एक बार इसीलिए मैं आपको बताया कि फिर से आप लोगों को थैंक यू सो मच कहते हैं कि आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं बाबू और यही वजह है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं तुम लोग के लिए बाबू हमेशा आने का और मतलब कितने भी थके रहने के बावजूद भी नहीं मन नहीं करता है कि दो तो चार दिन लाइव नहीं आते हैं, लगता है हम कितना बड़ा अन्याय कर दिए ठीक है तो चलो ठीक है मिशू बाबू सोनू मिस यू मिस यू ऑल ऑफ यू एंड लव यू सभी बच्चे को जितने ही बच्चे हैं सभी को मेरा दिल से प्यार ठीक है तो आप लोग अगर कोई भाई बहन होंगे अगर कोई होंगे तो उन्हें जरूर बता दीजिएगा ठीक है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन थैंक यू सो मच मिलते हैं हम लोग कल आज के लिए भी इतना ही जय हिंद जय भारत ठीक है